हाँ भाई क्या हाल है भैया आज के जो हमारे गेस्ट हैं कहने को तो उनका लेंस बड़ा वाइल्ड है बट मेरी नज़र में वाइड लेंस है क्योंकि उन्होंने वाइड अरे ऑफ एरियाज एंड कल्चर्स अपनी मोटर बाइक में बैठ के कवर किए हैं चाहे वो यूरोप हो चाहे मिडल ईस्ट हो और हालिया दिनों में इंडिया कवर किया है जी हाँ मैं बात कर रहा हूं अब्रार भाई की जो कि वाइल्ड लेंस बाई अब्रार के नाम से जाने जाते हैं बाइक में बैठ के पूरी दुनिया दिखाते हैं और लोग बड़ी मोहब्बत से बड़े शौक से उनके ट्रैवल ब्लॉग्स देखते हैं मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ एंड आई वॉज लकी इनफ कि आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। लेकिन आपको कहीं पे भी बोरियत नहीं होगी, क्योंकि अबरार भाई के किसे ही इतने जबरदस्त हैं और इतना जबरदस्त जबरदस्त है। मैंने कोशिश की कि उनके experiences से किस्म का जूस नचोड़ के आप लोगों के लिए लाया जाए तो आइए चल के पॉडकास्ट इंजॉय करते हैं वालेकुम सलाम जनीत भाई कैसे हैं आप ठीक हैं तबियत ठीक है आपकी अब बिल्कुल तो ठीक नहीं लेकिन ये एक आहिस्ता हो रही है <laughs> नहीं थैंक यू आपने वक्त दिया और अबरार भाई और हमारा स्केड्यूल तीन दिन पहले था बट अनफॉर्चुनेटली बहुत बीमार थे फिर भी आए मतलब कमिटमेंट के इतने पक्के फिर भी आप मुझे फ़ोन कर देते यार बात ही खत्म हो जाती है एक्चुअली जनीत भाई वो होता है ये कि हमारे यहाँ ना बड़ा ट्रेंड है बहाने बनाने का ना कि मैं बीमार हो गया तो मैंने कहा एटलीस्ट मैं जाऊँगा तो उनको पता होगा कि मैं बीमार हूँ तो खुद ही समझ जाएंगे कि अच्छा नहीं लगता आप जो है ना पॉडकास्ट करते हुए तो मैं इसलिए दूसरा ये भी है कि मेरे लिए बड़ी फخر की बात है कि मैं आज, आज आपके साथ बैठा है नहीं फخر तो मेरे लिए है भैया सर जब मैंने शुरू किया था तो बहुत चंक क्रिएटर्स हैं जिनसे मैंने सीखा और आज मुझे अगर मौका मिला तो आपने मुझसे ऐसा क्या सीख लिया सर बहुत कुछ सीखा है मतलब जो आपकी स्ट्रगल जो मैंने देखा है ना कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं इरफान भाई से मैंने बोलना सीखा कि कैमरे के सामने बात किस तरह करनी है मोरू भाई से मैंने स्टोरी टेलिंग और इस तरह की चीज़ आपसे मैंने ये सीखा कि इंसान अपने अगर पैशन किसी चीज़ का है और उसको ले के चलता है तो उसमें हो सकता है टाइम लग जाए अपने लेवल तक पहुँचने में लेकिन ये पहुंचेगा बंदा ज़रूर बस मेहनत करनी है और जब आप मेहनत करते रहते हैं और उसके पीछे भागते हैं जो आपको पसंद है तो उसके बाद आप हमारे सामने बैठे हैं कि आज अगर पाकिस्तान में किसी का नाम लें कि के ऊपर आपको कौन सा क्रिएटर पसंद है तो आई थिंक सबसे पहले आपका नाम आएगा शुक्रिया अच्छा अब्रार भाई ये बताइए कि आपने यूट्यूबिंग तो शुरू की उससे पहले जो है अब्रार साहब क्या करते थे कौन थे और अपने बारे में ज़रा बताएं देखिए YouTube जो है वो बाई चांस शुरू हुआ मतलब ये नहीं कि मैं मुझे हमेशा यूट्यूबर बनने का शौक़ था मुझे ट्रैवल का शौक़ जो है वो जुनून की हद तक था है और आई होप के रहेगा तो जब मैं मतलब मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ ननकाना साहब के करीब वहीं से मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई उसके करीब ही सिटी में चले गए वहीं से मैट्रिक हुआ कॉलेज हुआ फिर इस्लामाबाद में जाके मैंने एयरोस्पेस इंजीन की वहाँ से जर्मनी चले गए तो बस ये सफ़र जो है ना वो एक के बाद एक जो है वो रास्ते खुलते गए और उसको जो है ना वो आगे चलता गया अच्छा आपने भी ननकाना साहब का जिक्र किया मुझे आ, हमेशा से लगता था कि जो आ, आपकी जो पंजाबी एक्सेंट है ना वो बिल्कुल वो सिखों वाला है और उसमें वो झलकता है वो एलिमेंट तो जब आपने बोला ननकाना साहब नाव इट मेक सेंस मेरी जो उर्दू इंग्लिश जर्मन उसमें अगर मैं कुछ भी बोलूँगा ना उसमें एक पंजाबी का टच आपको जरूर नजर आएगा और आ, मुझे हमेशा कभी ये नहीं रहा कि अच्छा ये क्यों आ रहा है मैं एक्सेंट कॉपी करूँ उसको चेंज करूँ मुझे लगता था दिस इज मी लोगों को मेरी समझ आ रही है और आ, वो जब मैं अगर बोल रहा हूँ ना तो शीशे के सामने या वैसे आप अपने आप को सुनते हो तो मुझे लगता था ये मैं हूँ लेकिन अगर आप किसी के एक्सेंट कॉपी करने की कोशिश करते हैं उसको चेंज करने की तो वैसे लगता है दिस इज़ नॉट मी तो हमेशा से वो चीज़ रही है पंजाबी आ, मदर टंग थी और मुझे उर्दू इंग्लिश अगर बोलनी आई है या समझनी आई है तो वो यूनिवर्सिटी में उससे पहले तो पंजाबी प्योर पंजाबी <laughs> आपके बच्चे, बच्चे पंजाबी बोलते हैं मेरी दो बेटियां माशाल्लाह जो बड़ी है वो काफ़ी हद तक पंजाबी बोलती है, लेकिन होता ये कि हमारे हाँ, यहाँ वो एक ट्रेंड है कि पंजाबी जो है वो आ, ज़रा गाँव देहात के लोग जो तो मेरी बेगम थोड़ा सा करती है लेकिन मेरे साथ तो वो पंजाबी बोलती है अगर बाजार में जाए या इधर उधर दूसरे बच्चों से मुलाकात करें ना तो हमेशा पंजाबी में जवाब देती तो फिर मेरी बेगम देती अच्छा देखा सारा कुछ तो घर से सिखा रहे हैं उन्हें मुझे लगता है कि जब वो पंजाबी बोल आनी चाहिए मदर टंग लैंग्वेज हाँ वो जरूर आनी चाहिए बाकी तो स्कूल में बंदा सीख जाता है बाकी लैंग्वेजेस और एज पंजाबी माय सेल्फ मुझे भी ना ये एक जरा शिकवा है क्योंकि मैं कराची में पला बड़ा तो ये, मेरे पेरेंट्स आपस में पे बोलते हैं हमसे कभी नहीं बोली और हमने जितनी भी सीखी मुझे से समझ आती मुझे बोलना नहीं आती थोड़ी बहुत आती है तो वो मैंने उनको आपस में बातें करते देखते कि ही थोड़ी बहुत समझी कि अच्छा है इसका मतलब ये मुझे लून का मतलब चार साल पहले पता चला था कि नमक को लून बोलते मुझे ये भी नहीं पता था सो so, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो लैंग्वेज जो है इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है बहुत खूबसूरत कल्चर है पंजाब का हम तो ओन नहीं कर रहे इंडिया में काफ़ी ओन हो रहा है विच इज़ वाई आप ग्लोबली भी देखते हैं भंगड़ा म्यूज़िक कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है बिकॉज दे दे ओन देयर कल्चर और हमने इसको बिल्कुल जी गाँव देहात जी ड्राइवर ही बोलेगा ये जबान या आपका नौकर ही बोलेगा वो करते 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 हमने ना इतनी खूबसूरत लैंग्वेज खो दी है अब वो मुझ तक तो ट्रांसफ़र नहीं हुई और मेरा बच्चा तो वैसे ही अंग्रेज है आधा तो वो उसने तो शुरू ही इंग्लिश से होना है तो ये लैंग्वेज डेड हो गई मेरी रूट्स में यहाँ खत्म हो गई उसके अलावा जुनेद भी था कि पहले हमारे यहाँ ना ट्रेंड बहुत था बुक्स लिखने का शायरी का तो लैंग्वेज जो है वो बोलने के साथ साथ अगर उसको फेम मिलती है ना तो वो जब कोई राइटर लिखता है उसमें बुक्स लिखता है या शायरी लिखी जाती है तो बाबा भले शाह का अगर नाम है तो जितना उसको हम मानते हैं आप दूसरी साइड पे पंजाब में जाके देखें उतना ही उनको जो है वहाँ पे अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि उन्होंने पंजाबी को जो एक लेवल दिया अपनी पोइट्री में आज भी उनके मानने वाले हैं तो ये बहुत मैटर करता है अब टाइम के साथ वो चीज़ें कम हुई फिर अचानक से ये जो पंजाबी म्यूजिक स्टार्ट हो गया तो उसने आई थिंक एक पंजाबी को ना दोबारा से रिवाइव किया है और कोई भी कोई भी चीज़ हो ना सिर्फ ये कि लैंग्वेज जब तक वो पॉप कल्चर का हिस्सा नहीं बनती ना जब तक जे जे वो कूल cool नहीं होती तो लोग उसको अडॉप्ट नहीं करते और हमने अंग्रेजी बोलने को कूल cool समझ लिया तो अंग्रेजी हमने ठग से ऐसे पकड़ ली और पंजाबी हो गई बाकी ये कि सिंध के लोग दे ओन अप टू दे कल्चर वो आपस में हमेशा सिंधी में बात करते हैं पश्तून बेल्ट के जितने भी लोग हो गए बलोची जितने लोग सारे कल्चर ओन करते अपनी लैंग्वेज सिवाय पंजाबी के वो भी पाकिस्तानी पंजाबी के बड़े सैड पॉडकास्ट पे गुफ्तु का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन मैंने आपके साथ शेयर करनी है एक इम्पोर्टेंट न्यूज वो ये कि आप सबको पता है पाकिस्तान में महंगाई जिस तरह बढ़ चुकी है एक आम आदमी के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है लेकिन अब टाइम है स्मार्ट प्ले करने का खाली पैसा सेव करने से ही सेविंग नहीं करनी उसको इन्वेस्ट भी करना है जे एस इन्वेस्टमेंट्स का प्रोफेशनली मैनेज म्यूचुअल फंड को देता है अपट टू परसेंट रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट वो भी लो टू मीडियम रिस्क प्रोफाइल पर जे इन्वेस्टमेंट का जेएस कैश फंड जो कि एक रिस्क कैश फंड पिछले साल से दे रहा है सिर्फ पांच मिनट के अंदर आपका अकाउंट रेडी हो सकता है और बेहतरीन बात यह है कि आप सिर्फ पांच से भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहे अपनी रकम निकलवा सकते हैं बिना किसी इजाफी चार्जेस के तो अभी अपनी इन्वेस्टमेंट को लगाओ काम पर और बनाओ अपने

और उसके बाद ये था कि अब अगर मेरी कोई इनकम आएगी तो बाकी बहन भाई भी पढ़ पाएंगे। क्योंकि मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी जाता था तो छः महीने बाद सेमेस्टर फी आती थी तो घर वालों को लगता था तब तो हम घर की कौन सी चीज़ बेचें कि इसको जो है पढ़ाएं। तो मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी ग्रेड्स मेरे ठीक थे मतलब ये नहीं थे बहुत अच्छे थे या बहुत बुरे थे बस एवरेज थे स्पेस इंजीनियरिंग थे, एरोस्पेस एरोस्पेस, में थे तो उसमें ये था कि गवर्नमेंट सेक्टर में यह आपको जॉब मिलती थी तो गवर्नमेंट सेक्टर में कभी नहीं मिल पाई तो फिर ये डिसीजन लिया कि अभी उस मुल्क में जाते हैं जहाँ पे फ्री एजुकेशन हो और वो जर्मनी था और दूसरी रीज़न ये थी कि मुझे था कि अगर मैं इसको मैकेनिकल में स्विच करता हूँ क्योंकि एरोस्पेस और मैकेनिकल बहुत सिमिलर है सही तो मुझे ये फायदा हो सकता है कि जर्मनी इज़ हब फॉर मेकैनिकल आपको वहाँ पे जॉब मिल सकती है तो मैंने सबसे पहले जाके वहाँ पे छः महीने ना लगातार मेहनत करके जर्मन लैंग्वेज सीखी तो उसका ये फ़ायदा था कि जब मेरी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन स्टार्ट हुई तो मुझे जर्मन लैंग्वेज आती थी मैं टीचर से कन्वर्सेशन कर लेता मतलब ये नहीं थी कि आपको टेक्निकल वर्ड्स नहीं आते लेकिन आप कन्वर्सेशन कर रहे थे लोगों से तो उसका फ़ायदा जो है वो फिर बाद में हुआ कि जैसे आपकी एजुकेशन ख़त्म हुई Uh, मैंने पहला इंटरव्यू दिया था ना तो प्रॉपर जर्मन में दिया था और उसने मुझसे एजुके मेरी एजुकेशन या मेरे उसके uh, जो मास्टर थीसिस उसके बारे में कुछ नहीं पूछा था उसने कहा बरार इफ़ यू कैन स्पीक सो वेल जर्मन इन लाइक वन एंड हाफ टू ईयर्स तो मुझे पता है कि हम जो भी तुम्हें काम देंगे ना वो तुम दो दो सा, दो तीन महीनों के अंदर सीख जाओगे uh, पंद्रह बीस मिनट का इंटरव्यू लिया तो वो मेरी सिर्फ जर्मन से इम्प्रेस हो गए थे और उन्होंने कुछ भी नहीं मुझसे पूछा था तो ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि आप किसी जर्मन के साथ बैठते उसको बताते मैं दो साल पहले आया हो तो ये उन्होंने ये देख लिया कि क्योंकि ना लैंग्वेज वगैरह हो गई क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जैसे अंग्रेजी हो गई तो बचपन में वो इतना ट्रांजिशनरी पीरियड एक तो लंबा भी होता है प्लस आपका जहन फॉर्मेटिव हो जाता है तो चीज़ें वो पकड़ रहा होता है मुश्किल तब आती है जब आप बड़ी उम्र में आके कोई नई चीज़ सीखे और सिरे से सीखें तो फैक्ट कि आपने इतनी मुश्किल लैंग्वेज जिसके लफ्ज ही जिसका जिस जि, ये ऐसी जबान जिसका आ, पेन का लफ्ज इस कूगल श्राइबर पूरी दुनिया में इसको पेन बोलते हैं जर्मन में कोगल श्राइबर बोलते हैं इतनी मुश्किल लैंग्वेज आपने दो साल में अडोप्ट किया आई थिंक उन्होंने देख लिया गैर बंदा मेहनती मुझे ये था कि देखिए मैं यहाँ से सारी कश्तियाँ जला के गया था मुझे जॉब चाहिए थी और एक ऐसी जॉब चाहिए थी जिससे मैं फैमिली को सपोर्ट कर सकूं ताकि मेरे जो बहन भाई अगर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं तो उनको ये ना हो कि अब हमने घर की कौन सी चीज़ बेचनी है उनको ये हो कि बस हमने स्टडी करनी है और उसके बाद विदाउट लोन कोई पेरेंट्स के ऊपर ना हो तो मेरा पहले दिन से यही टारगेट था और मुझे पता था कि अगर मुझे लैंग्वेज आ गई पढ़ाई में अगर थोड़ा सा नीचे हो लेकिन मुझे वहाँ जाके पता नहीं ऊपर वाले की देन है या कुछ भी है मेरे ग्रेड्स भी बहुत अच्छे थे मतलब यहाँ से तो आप ज़मीन आसमान का फ़र्क था ग्रेड्स भी अच्छे थे मास्टर थीसिस भी अच्छे थे लैंग्वेज इतनी अच्छी होगी तो वो जॉब भी मिल गई तो उससे फिर जो है ना वो आस्ते आहिस्ते जो कुछ आपने ज़िंदगी में सोचा था कि मैंने ये करना है वो सब कुछ जो है वो स्मूथ चलने लग गया और आपकी जो जॉब थी वो किस फील्ड में थी ऑटोमोटिव सेक्टर में सही और ऑटोमोटिव में जर्मन से अच्छा तो दुनिया में कोई बिल्कुल ही नहीं।, नहीं है एक छोटी कंपनी थी एक फैमिली बिजनेस था दो ढाई हज़ार के करीब आई थिंक उनके एम्प्लॉयज थे ये वहाँ पे छोटे लेवल की कंपनी समझा जाता है छोटा सा सिटी था तो वहाँ पे मैंने जॉब स्टार्ट की और बहुत कंपनी बी के प्रोजेक्ट्स थे या फॉक्स के थे तो इस तरह के जितने भी थे वो दो तीन महीने मुझे सीखने में लगा लेकिन क्योंकि मेरा मास्टर थीसिस भी उससे रिलेटेड था तो फिर वो स्मूथ हो गया वहां पे मैंने तीन चार साल वहाँ पे जॉब की फिर मैंने स्विच करता गया एक कंपनी से दूसरी कंपनी जो लास्ट मेरी जॉब थी वो ओपल में थी ओ, तब ओपल थी जनरल मोटर्स का पार्ट फिर बाद में इसको पुजो से त्रोही ग्रुप ने खरीद लिया तो ये मेरी लास्ट जॉब थी

दूसरी जॉब वो पच्चीस सौ किलोमीटर दूर थी वो मैं गाड़ी पे जाता था लेकिन जो लास्ट ये ओपल वाली जॉब थी तब मैं सिर्फ साइकिल पे जाता था गाड़ी जो थी अगर फैमिली की ज़रूरत होती थी तो हम वहाँ से ले लेते थे, थे लीज़ पे वो नौ महीने के लिए मिलती थी उसके बाद उसको चेंज कर देते थे तो वो जब कोविड का टाइम स्टार्ट हुआ तो घर से ही बैठ के काम था सही गाड़ी की जरूरत नहीं थी फिर मैं हमेशा अगर कभी जाना आता था तो साइकिल पर जाता था गाड़ी का कभी शौक़ ही नहीं हुआ मुझे यही होता था कि बस गाड़ी ये हो फैमिली की ज़रूरत पूरी हो जाए तो बस उसी हिसाब से जो है ना वो यूज़ किया कभी नहीं रहा कि मुझे ये गाड़ी चाहिए कभी ये गाड़ी चाहिए मुझे ये लगता था अगर मेरे पास पैसे हो ना मैं वही पैसे ट्रैवल में लगा दूँ <laughs> गाड़ी वाले पैसे हमेशा ट्रैवल में जाते थे सही। तो अच्छा ट्रैवल का जो शौक़ है ये आपको कब रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे दुनिया देखनी है और आप जो ट्रैवल करते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स मुल्क में जाना है तो मैंने यहाँ से क्या सीख कर आना है या मैंने किन चीज़ों पर फोकस रखना है देखिए जुनीत भाई ट्रैवल का शौक तो कहते हैं कि बचपन से ही होता है हुँ. लेकिन बचपन में पैसे ही नहीं थे हुँ. तो ट्रैवल भी नहीं होता था हाँ. जो मेन ट्रैवल मेरा स्टार्ट हुआ था ना वो 2008 के बाद जब जॉब्स वगैरह वहाँ पे मिलना शुरू हुई स्टूडेंट लाइफ में और उसके बाद वो आता जो है वो शौक़ पूरे होते गए टू इलेवन में जब मेरी टू टेन में, में जॉब हुई इलेवन में मैंने नॉर्वे का एक ट्रिप लगाया था और उसमें मुझे पहाड़ों से इतना प्यार हो गया था कि फिर मैं पाकिस्तान आया के टू बेस कैंप गया नेपाल चला गया आ, इसी तरह मैं न्यूजीलैंड चला गया ऑस्ट्रेलिया वगैरह चला गया उधर साउथ अमेरिका चला गया पैतागोनिया और ऊपर से आ, आपके सारे कॉन्टिनेंट हुए लाइक वैसे ट्रैवलिंग में आई थिंक सिर्फ अंटार्कटिका शायद नहीं हुआ बाकी सही ज़बरदस्त अच्छा फिर पहाड़ों से मोहब्बत हो हाँ उस सिलसिले में वो फिर वो ट्रैवल जो हमेशा चलता गया फिर शादी के बाद थोड़ा सा जो है वो स्लो हुआ फैमिली वकीस और ये वो तो उसी दौरान ही हमने फैसला किया कि हम एक लंबी ब्रेक लेके पाकिस्तान जाएंगे तो तब मैंने वाइफ को कहा कि अगर मैंने साइकिल ख़रीदी थी जिसके ऊपर मैंने सेंट्रल एशिया करना था तो कामरान बाइक जब तो मैं देखता था बड़ा इंस्पायर भी था तो उनसे शौक मुझे पहले का था लेकिन वो एक जो होता है ना आप में शौक को रिवाइव कर देते हैं हाँ, क्योंकि वो 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 भी भी से से हैं हाँ, तो बहुत सारी चीजों पाकिस्तान, पाकिस्तान से जर्मनी हाँ, गए थे हाँ। और आप उनसे जो बड़ा रिलेट कर पाते हैं है। फिर मैंने कहा कि साइकिल वगैरह फिर मैंने अपना वो टाइम और ये वो सारी चीजें देखी मैं साइकिल पे तो नहीं होता उन दिनों में वीडियोज बड़ी देख रहा था लोगों के यूट्यूब पे तो तब मैंने कहा कि यार ये सारे लोग मुंह ठा के बाइक पे बैठते और स्पिति ले लद्दाख चले जाते हैं पाकिस्तान में इतना नहीं था बाइिंग का तो मैंने भी कहा कि चलो अभी बाइक चलाना सीखते हैं बाइक चलाना सीखी लाइसेंस लिया बाइक ली और कौन सा साल था 2019 आपने बाइक अभी 2019 में ली है उन्नीस में ली उन्नीस में चलाना सीखी से पहले मुझे चलानी नहीं आती थी मेरे चैनल चार उपर, साल का देख रही है मेरे चैनल के ऊपर एक ब्लॉग है ननकाना साहब को उसके पी, मैं एक दोस्त की बाइक के पीछे बैठा मैं कह रहा हूँ मुझे बाइक चलानी नहीं आती लोग कहते कि आप झूठ बोल रहे हैं मैं ऑनेस्टली नहीं चलानी आती थी मैंने चौदह पंद्रह साल की उम्र में चलानी सीखी थी एक दफ़ा मैं दोस्त के दोस्त की बाइक थी आपको पता है ऐसे काम सिर्फ दोस्त ही करते हैं हाँ। पेरेंट्स तो आपको कहते हैं कि ये कि, दे कि मार देगा तो दोस्त मुझे अपनी बाइक पे उसने बिठाया मैंने जैसे रेस थी वो पीछे बैठा तो वो बेचारा गिर गया वो हाँ। तो कहता आज के बाद मैं तुझे तो नहीं लेके जाऊंगा फिर उसके तरले में थे घर के अगली दफ़ा गए तो सामने से एक आ रही थी वैन तो उसने देखा कि ये तो इधर उधर जा ही नहीं रहा हाँ। आखिरी लम्हात में हमने जो है वो पीछे जो है वो मुंजी लगी थी दोनों उसके अंदर बाइक भी अंदर वो दिन और आज का दिन किसी ने मुझे बाइक पे बैठने नहीं दिया हाँ। उसके बाद फिर यही जो है वो लाइसेंस लिया और सफ़र शुरू हुआ वहाँ से तो आपने पहली बाइक कौन सी ली जिस पे मैं अभी भी चला रहा हूँ आपने स्टार्ट ही इस बाइक से ली मैंने इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त ने मुझे अपनी बाइक दी थी चलाने के लिए शायद कोई दो तीन किलोमीटर चलाई क्योंकि मैंने और बाइक भी नहीं चलाई मैंने आपको बताया मुझे बाइक्स का बहुत शौक़ नहीं है मुझे ट्रैवल का शौक है और बाइक के ऊपर ट्रैवल का शौक जो है ना ये पहले टूर के बाद हुआ मतलब पहले मुझे नहीं आइडिया था कि किस तरह का ट्रैवल होगा किस तरह का शौक़ होगा ये मुझे ये था कि अब मैंने कुछ ऐसा करना है जो मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाए क्योंकि मैं बैग पैकिंग तो बहुत करता हूँ लेकिन वो एक हद हाँ तक जो आगे ना आप ट्रैवल करते हो लेकिन लोग जो है ना आपसे कम मिल पाते बाइक जो थी ना उसका जब मैं सोचता था कि यार अगर मैं गांव जाऊंगा वहां पे खड़ा होगा लोग आपसे आके बातें करेंगे उसके अलावा हर रोज मुझे नहीं पता होगा कि आज क्या होने वाला है किस तरफ जाना तो वो एक जो ख्याल था ना अगर मैं सोता भी था ना तो मुझे लगता था कि यार ये मुझे मैं क्या कर रहा हूँ कि वो एक्साइट करता था आपको कि आप कुछ नया करने जा रहे हो जिंदगी में तो ये एक आइडिया था इसके पीछे असला बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों अगर मैं आपसे कहूँ अजह तक आप करोड़पति बन सकते हैं तो हो ना तोबाला जानना चाहते हैं कैसे ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी मेहनत की कमाई यू के कैनेडा यूरोप ऑस्ट्रेलिया या स्विट्जरलैंड से तीस जून तक पाकिस्तान में बैंक अल हबीब में अपने प्यारों को भेज कर बन सकते हैं करोड़पति और यही नहीं रोजाना तीस जून तक कोई ना कोई एक लकी विनर रोज जीत सकता है एक लाख रुपए का इनाम तो भाई सोच क्या रहे हो अभी डाउनलोड करो एस मनी ट्रांसफर ऐप और आप भी बन जाओ लकी विनर एस मनी ट्रांसफर और बैंक अल हबीब का साथ दिल से दिल तक सो so, पहला ट्रिप आपने कहाँ कर लिया था बाइक का आ, जब मैंने बाइक खरीदी थी म्यूनी से ख़रीदी थी क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सेल लगी हुई थी वो तीन किलोमीटर का टूर था लेकिन जो मेजर उसके बाद हो, वो जर्मनी से पाकिस्तान इसके बारे में बताया तो जर्मनी से पाकिस्तान कौन कैसा आपने रूट कैसे निकाला ये भी बताइए कि आप प्लान कैसे करते अपना ट्रिप ट्रैवल मैं बहुत करता था तो मैं अगर कोई ट्रैवल हाँ वीडियोस में मैं बहुत देखता हूँ लोगों की तो उसमें ये होता था जब भी मैं किसी की वीडियो देख रहा होता था उसने कोई अच्छी जगह देखी कोई अच्छा एक्सपीरियंस देखा मैं उसको मैपा कर, कर लूँगा तो मेरा मैप जो है वो भरा होगा उन जगहों से फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये प्लान बनाया कि अच्छा कौन सी ऐसी जगह जो मुझे पर्सनली पसंद है और मैं उनको जो है वो कवर करना चाहता हूँ तो फिर मैंने यूरोप मुझे पर्सनली क्योंकि इतना अर्सा रहा हो ट्रैवल बहुत किया है तो मुझे लगता था कि यहाँ पे हर चीज़ स्मूथ चलती है होटल्स मिल जाते हैं सब कुछ आपको परेशानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती तो वो मुझे लगता था थोड़ा सा बोरिंग है तो ज़्यादा टाइम मैं गुजारूँगा जाके तर्की ईरान ईरान से आगे तुर्कमेनिस्तान और सेंट्रल एशिया करके फिर आ गया इधर मंगोलिया की तरफ फिर मैं वापस पाकिस्तान आऊँगा और फिर आगे इंडिया जाऊँगा लेकिन कोविड आ गया कोविड की वजह से मुझे अपना ट्रिप जो है वो शॉर्ट करके पाकिस्तान आना पड़ा लेकिन उसका फ़ायदा जो है ना वो ये हुआ कि मुझे मौका मिल गया कि मैं वो जो आगे सेंट्रल एशिया की तरफ जाना था वही टाइम मैं पाकिस्तान में ट्रैवल करूँ तो मैंने पाकिस्तान को पहली बार तब देखा एक्सपीरियंस किया और मुझे लगा कि यार यहाँ पे बहुत पोटेंशल है और वो जो हम सुना करते थे कि पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है उसको एंजॉय भी किया तब आइडिया भी नहीं था कि किस तरह का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा तो एक स्किल्स भी अच्छी होगी और वो वीडियोज़ जब मैं बना के वापस लेके गया तो उन वीडियोज़ को मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया उन दिनों कोविड था लोगों ने वो वीडियोज़ देखी इंजॉय की और चैनल जो है वो पढ़ा हो गया मेरा अच्छा इसका नाम वाइल्ड लेंस क्यों है आप फोटोग्राफी करते थे पहले हाँ मैं जाता था आ, जैसे कैंपिंग हाइकिंग पहली पहली वीडियोस तो होंगी वही ना कैंपिंग हाइकिंग करनी और उसकी वीडियोस वगैरह जो है बना लेनी तो तब आपको पता है इंस्टाग्राम पर हैंडल भी जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं तो हाँ। लोगों ने मुझे वाइल्ड लेंस पसंद था अवेलेबल ही नहीं था मैंने साथ वाइल्ड लैंड में लिख दिया कुछ नहीं फिर उसी से YouTube बन गया तब मैं YouTube पे मेरा दिल नहीं था कि मैं यूट्यूब पे आऊ लेकिन मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि यार अब इंस्टाग्राम खत्म है अब यूट्यूब पे आओ वीडियोस बनाओ और मे भी ये तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे फुल टाइम तो पहली वीडियो जब मैंने अपलोड की थी तो वो इसी नज़र से की थी कि एक दिन मैंने इसको फुल टाइम बनाना है तो लोग कभी कभी पूछते हैं कि आपने कब डिसीजन लिया मैंने कहा कि बेस्ट डिसीजन वो होता है कि जब आप कैमरा उठाए ना तो आपको अपने गोल्स का पता होना चाहिए मैंने इसको किस तरफ लेके जाना है हुँ. ताकि आप पहले दिन से अपने गोल्स के लिए मेहनत कर रहे हो तो मैंने पहले दिन से यही किया था कि इसको मैंने फुल टाइम बनाना है और ट्रैवल को मैंने अपने एज ए पैशन जीना है।, so, है हाँ लेकिन आपको पता है कि जब आप वीडियोस बना रहे होते हैं लोगों के लिए वो आपके लिए नहीं होती वो लोगों के लिए है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी आपको करनी होती है जो लोगों को पसंद है हो सकता है कि आपका इतना इंटरेस्ट ना हो लेकिन आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट हो फिर जो मज़ा बगैर कैमरे के ट्रेवल करने का है उसका एक और ही फील है आपको अगर कोई जगह अच्छी लगी आप वहाँ पे दो घंटे बैठ जाएंगे लेकिन जब आपने वीडियो बनानी होती तो आपको पता होता है कि यार अब वो आधा घंटा तो कैमरा सेटअप करने में लग जाएगा कोई टाइम लैप्स लिया ड्रोन लिया ये वो एक दो तो घंटे उसमें लग गए फिर आपने अगली जगह पे भी जाना होता तो ऑफकोर्स वो इफेक्ट करता शुरू में ज्यादा करता था अब मैंने वो आइडिया मुझे हो गया है कि इसको मैंने किस तरह से लेके चलना होता तो काफी हद तक बेहतर हो गया फिर ये होता है कि आप कहते हो कि अच्छा आज मैं इस सिटी में आज मैं गैप लूंगा आज मैं इस सिटी को देखूंगा बगैर कैमरे के तो उसका मुझे ये फायदा होता है कि नेक्स्ट डे जब मैं अगर कोई चीज़ बनाने जाता हूँ तो कोफ्त नहीं होती और मुझे ऑलरेडी कुछ आइडिया हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं पहुँचा होना कराची में मेरी कोशिश ये होती है कि पहले मैं कराची को देख लूँ ख़ुद देख लूँ और जेल में एक स्केच बना लूँ ये ना हो कि मैं पागलों की तरह कैमरा ले कर घूमता फिरूँ तो अब अगर मेरे पास ये एक फैसिलिटी होती है कि मेरे पास टाइम है तो फिर मैं कोशिश यही करता हूँ कि पहले मैं ख़ुद देख लूँ ताकि मैं ऑडियंस को अपनी रिसर्च और ये वो थोड़ी सी रिफाइन करके दूँ वीडियो भी अच्छी बन जाएगी और मेरा टाइम भी कम लगेगा तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस है है जो मैंने ऐसे फिर बनाई और आपकी इसी स्ट्रेटेजी ने मेरी हेल्प की थी दोहा में जब हम मिले थे पहली बार वर्ल्ड कप के लिए वो याद है हम एक बाजार जाते थे जहाँ हमने वो सऊदी वाले मैच के बाद वो अरबी अंकल ने हमें वो भी खिलाया था आई थिंक वो था वाकिफ सुफ यस क्या जगह थी बहुत मजे की जगह थी तो अब्रार भाई से मेरी पहली बार मुलाकात दोहा में हुई थी वो भी वर्ल्ड कप कवर करने गए थे और मैं जरा मैचेस देखने गया था मैंने सोचा वॉकिंग टेल्स बना लें तो अबरार भाई ने मुझे टूर कराया पूरा सुकुल वाकिफ का कि यहाँ पे ये है ओल्ड स्टाइल बाजार है वगैरह वगैरह तो फिर जब मैंने जजिन बनाई वॉकिंग टेल तो वो काफ़ी आई इसमें काम अच्छा तो आपने जब चैनल बनाया आपकी पहली वीडियो तो आपने जैसे बताया शुरू में कैंपिंग वगैरह की थी तो जब आपने ये जो बाइक वाली जो वीडियोज जो आपकी हमेशा होती हैं ये कहाँ की डाली थी आपने आ, मैंने अपने चैनल पे तकरीबन कोई पंद्रह महीने तक आई थिंक बारह सौ के करीब सब्सक्राइबर थे और आई थिंक कोई साठ के करीब वीडियोस भी होंगी फिर मैं गया था पैलेस्टाइन इसराइल गया था वहाँ की वीडियोस से मैंने थोड़ा चेंज किया क्योंकि मुझे हिस्ट्री कल्चर का भी शौक है लेकिन मैं जब भी दोस्तों से बात करता तो वो कहते यार हमारे देसी लोगों को नहीं पसंद ये चीज़ें तो हम ना वो फिर सिनेमैटिक और ये वो डाल देते थे लेकिन उसका मेरा वॉच टाइम नहीं आता था तो मैंने पहले दो दिन ना जरूसलम को अपनी नज़र से देखा फिर मैंने तीसरे चौथे दिन कैमरा उठाया मैंने कहा आज मैंने वीडियो वही बनानी है जो जिस नज़र से मैं इस सिटी को देख रहा हूँ और वो सिटी वो वीडियोज़ मेरी वायरल हो गई चार वीडियोस थी चारों ने मुझे आई थिंक कोई हंड्रेड थाउजेंड के करीब सब्सक्राइबर दिए तो ये टूर से बिल्कुल पहले था फिर मैंने वो टूर किया और उसमें ये था कि मैंने पहले तीन चार वीडियोस एडिट की फिर मुझे लगना शुरू हुआ कि ये जॉब है तो मैंने कहा कि यार अबर पता नहीं आपकी वीडियोस चलेंगी या नहीं चलेंगी मुझे अल्लाह ने एक मौका दिया है और तू खुश नसीब है इसको इन्जॉय कर वीडियोस साथ ले जा जिसने आज देखनी वो चार महीने बाद भी देख लेगा क्योंकि एडिट आपको पता है फुल टाइम जॉब है रात को आप आए एडिट करने बैठ जाए डाटा कॉपी करें बहुत स्ट्रगल होती मुझे तो मैं आपको देखता था वहाँ में हम तकरीबन पूरा दिन साथ ही गुजारते थे जी जी और मैं जाके सोता था और मैं यही सोच के लेटा होता था अभी अब रार भाई डेटा कॉपी करेंगे और एडिट करेंगे वो क्योंकि इवेंट था तो उसके मैं साथ साथ एडिट कर रहा था हिम्मत है भाई तो वो जो जर्मनी और उसको मैंने पता इसी वजह से इतना इन्जॉय किया था वो एक वाइज डिसीजन था कि मैंने उसकी एडिट नहीं की और जब मैं वापस गया कोविड का टाइम था ऑफिस से भी जो है वो रिलैक्सेशन थी तो लोगों ने घर में बैठ के उसी तरह इंजॉय की जैसे मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ तो वो एक बहुत मैटर करता है कि अगर आप अपने शौक को अपना पैशन को जॉब बना रहे हो तो वो एक लिमिट जो है ना क्रॉस मत करो कि अपना पैशन प्योर जॉब ना बन जाए फिर तो वो जॉब ही होगी फिर क्या फ़ायदा फिर आप पहले वाली जॉब ही कर लो सही बात यूट्यूब पे तो आपको पता है तरह तरह के कमेंट्स आते हैं तरह तरह के लोग होते हैं और शुरू में तो आपकी इनकम भी इतनी अच्छी नहीं आ रही होती तो आप कहते यार ये किस चक्कर में फंस गया हूँ लेकिन उसने मुझे बहुत हेल्प किया कि एक वो ऊपर वाले की तरफ से शायद था कि इसको जो है वो ऐसे ऐसे करते जाओ तो मैंने अभी भी इंडिया में मैंने तीस दिन गुजारे मैंने एक वीडियो अपलोड नहीं की एक वीडियो एडिट नहीं की

क्लाउड पे तो आपको ट्रेवल में इतना अच्छा इंटरनेट नहीं मिलता तो मैं कोशिश करता हूँ दो हार्ड पे ने, एक पे एक कॉपी कर लेता और दूसरे के ऊपर ना उसकी वो फिर एक फाइल बना एटलीस्ट आपके पास कोई बैकअप हो बैक हो और दोनों को अलग रखते हैं कभी कभी अलग रखता अलग ही रखना चाहिए क्योंकि मैं बिकॉज आई एम क्रिएटर तो मैं आपका सारा काम एज़ अ क्रिएटर देख रहा होता हूँ कि आप कहाँ कहाँ रुक के शॉट ले रहे हैं आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि मैंने इस गली में मुड़ना है आ, या फिर ये कि अब ये सारा डेटा जो है फिर ये जाता है ये कितने जीबी का होगा क्योंकि आपका गोप्रो तो चल रहा होता है हाँ गोप्रो चलता रहता है क्योंकि right. लोगों को क्या चीज़ें पसंद होती हैं अनप्लैंड चीज़ें जो रैंडम इंसिडेंट्स होते हैं तो अक्सर अगर आपका घोपरों बंद होता तो या घोप्रो स्टक हो जाता है बंद बड़ा दुख होता है यार सारे पैसे जो आपने सारा ट्रेवल किया वो तो इस बंदे के साथ जो हमने बात की है वो उसी के थे जो उनके मसूमाना रिएक्शन होते हैं जो उनके सवाल होते हैं तो वो अक्सर ये चीज़ मिस भी हो जाती मतलब हर टाइम नहीं चलता रहता आप ऑन हाँ। ऑफ करते हाँ। रहते हो तो कभी मिस भी हो जाता है लेकिन ये कोशिश ये होती है कि उसको जितना आप रिकॉर्ड कर सको कर लो वो रात को आप जब वापस आते हो तो टू हंड्रेड का डाटा जो है वो आपके तीन कैमरोज़ इंक्लूडिंग ड्रोन सोनी का कैमरा हो गया ये दो गोपरों है उनका डाटा मिला के हो जाता था आराम से और ये आपने रैंडम वाली बात की ना मुझे याद है आप ओमान में जब थे और वह जब वो फ्लडिंग हो रही थी जी तो जी आपकी बाइक जा रही थी और सामने से फ्लड आ रहा था फिर आपने बाइक रोकी और फिर पुलिस ने बोला जी यहाँ से निकलो हाँ। तो ये यूर राइट right, क्योंकि ये वाले मोमेंट्स तो फिर रह जाते होंगे अच्छा ये बताइए कि आपने भी इसराइल की बात की आपको इसराइल जाने का ख्याल ऑब्वियसली शौक सबको होता है और आपके पास वो लेवरेज है एज जर्मन नेशनल क्या आप जा सकते हैं आ, तो ख्याल कैसे आया और आपको ये तो नहीं लगा कि रिस्की हो सकता है उसमें जुनेद भाई ये था कि जरूसलम देखने का शौक़ जो है वो बहुत सारे लोगों को है इंक्लूडिंग माई सेल्फ मैंने बहुत ट्रैवल किया था आ, इससे पहले भी तो मुझे आ, पहले जब पाकिस्तानी पासपोर्ट था उस पर तो हम मुश्किल हाँ। होता था जाने का पता भी नहीं था तो एक दोस्त फिर जर्मन पासपोर्ट जब दोस्तों को मिलने शुरू हुए तो एक दोस्त गया तो पहले मुझे कहते मेरे साथ चल मुझे डर लगा मैंने कहा यार मैं जाऊंगा पता नहीं किस तरह बिहेव करेंगे डिपोर्ट ना कर दे मैं नहीं गया फिर बाद में जब वो हो के आया उसने मुझे बताया कि यार वहाँ पे तू जरूर जा फिर मैंने एक और दोस्त को तैयार किया फिर हमने जाके जरूसलम को एक्सप्लोर किया वो पहली बार थी और दूसरी बार फिर मैं जो है ना बाइक पर गया और मैं आज भी कहता हूँ मुझे पचास बार जिंदगी में और मौका मिले ना मैं उस सिटी को जाके वहाँ पर एक वाई भी अलग है क्योंकि उस शहर को अगर डिवेल्प भी किया ना वहाँ पर डिफरेंट हैं नेबरहुड नेबरहुड है एक जू नेबरहुड होगा एक हाँ। मुस्लिम है ये मुस्लिम नेबरहुड आपको आज भी उसी तरह का नज़र आएगा जो नेबरहुड को उन्होंने थोड़ा सा जो है वो दोबारा से जो है वो रिवाइव किया है गलियाँ थोड़ी सी बड़ी की है सैनिटेशन का निज़ाम अच्छा किया है लेकिन उसको उसी स्टाइल में बनाया जिस तरह है तो आपको लगता नहीं है ये ज़रूर लगता है कि ये नया नया सा बना हुआ है लेकिन आ, उन्होंने उसी तरह तो वो एक फील ही उसकी लगा है इधर लोग जो हैं वो एक जलूस की तरह जा रहे हैं चर्च में उधर मुस्लिम जो है मस्जिद अक्सा में जा रहे हैं इधर जूस जो है वो एलिंग वॉल के सामने जो है प्रे कर रहे हैं डेट मतलब वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो डिफ़रेंट रिलीजन्स को देखते हो तो आज भी मुझे अगर पूछे ना कि सबसे अच्छी सिटी कौन है तो मैं जरूसलम इसका मुकाबले कोई नहीं है इस पर हेट आया आपको इसराइल जाने पर नहीं गुड वैसे तो हेट नहीं आता होगा आपको माशा तो देखिए जुनीद भी उसकी रीजन ये है कि मैं जब अपना कंटेंट बनाता हूँ ना तो बड़ा सोच के बनाता हूँ कि आपको पता है कि एक्सट्रीमिस्ट बहुत है तो जहाँ पे मुझे लगता है कि एक तो ये चीज़ है कि मैं अपने कंटेंट को बड़ा ध्यान से बनाता हूँ hmm. अगर एक मंदिर है और हो सकता है कि मुस्लिम कहेंगे ये पहले मस्जिद थी अब मैं मंदिर में गया हूँ ना तो मैं सारी हिस्ट्री उस मंदिर की और उसके मानने वालों की बताऊँगा hmm. मुस्लिम्स का मैं जिक्र भी नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैंने मुस्लिम्स का जिक्र किया वो तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया फिर नीचे कॉन्वेस्ट सेक्शन में लड़ाई शुरू हो जाएगी तो मैं अगर चर्च में गया हूँ तो मैं सिर्फ चर्च की हिस्ट्री बताऊँगा और हाँ अच्छी चीज़ें जो मुस्लिम्स ने की या नॉन क्रिश्चियंस ने की वो जरूर बताऊंगा ताकि लोगों को एक लगे कि यार यहाँ पे किस तरह लोग रहते रहे तो मेरी कोशिश यही थी तो जब मैं वो वीडियो बना के आया था उसमें मैंने क्रिश्चियंस को उसी तरह रिप्रेजेंट किया जिस तरह करना चाहिए एक आ, आ, आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल की नज़र से मैंने सब कुछ किया। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया जूस से लेके क्रिश्चियन से लेके मुस्लिम्स तक हर तरह के मुझे अच्छे कमेंट्स आए और बहुत लोगों ने मुझे इस तरह के मैसेज भी किए कि वी वर, आ, मतलब पहली नज़र में हमने जब आपके चैनल की ये वीडियो देखी है तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक मुस्लिम जो है वो जब कंटेंट क्रिएटर वहाँ पे जाएगा तो व्यूज़ के लिए आपको पता दुनिया बहुत करती है लेकिन मुझे यही लगता था कि आपको ऐसे व्यूअर्स चाहिए जो आपको अप्रिशिएट करे और वो हेट उनको नज़र ना आए ना आपके कॉन्टेंट पर नज़र आए और ना ही जब वो आपकी कम्युनिटी बनती है ना उनके दरमियान होनी चाहिए तो अब भाई अब्रार से तो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन जारी रहेगी लेकिन मैं चाहता हूँ आपको एक और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सन के बारे में बताना जो कि मुशरफ जैदी जो नाम जर्नलिस्ट हैं, उनकी हुई ममता मूर्ति के साथ जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक की उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरह ह्यूमन कैपिटल जो है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को इंश्योर करता है और पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर हमें सस्टेनेबल ग्रोथ की जरूरत है वहां पर ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन एसेट अगर इनपे हम इन्वेस्टमेंट करें तालीम के जरिए स्किल्स के जरिए तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट

एक तो आप बॉर्डर पे कैमरा खोल के रखे हुए होते हैं ठीक है क्योंकि अगर अकेन फिर ये ये हो सकता है कि चूंकि नाव देट यूर अ जर्मन नेशनल तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा हम पाकिस्तानी हैं तो हम डरे हुए रहते हैं हम डर के सोचते हैं कि यार है, हम ये हमें अंदर ही ना कर दें तो बॉर्डर पे मैं तो कभी कैमरा ना खोलूँ ये ना मैं कभी किसी को एहसास दिलाने की कोशिश करूँ कि भाई कैमरा अगर लगा हुआ भी है तो मैं पॉकेट में डाल दूंगा लेकिन आपका कैमरा ऑन होता है बॉर्डर पर मेरे जहन में कभी नहीं आया कि मैं जर्मन नेशनल हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा मेरे जहन में ये बस के कैमरे को ना अच्छा नॉर्मली ना मैं इस तरह की चीज़ें जो है वो वीडियोस पे नहीं बताता मुझे ये लगता है कि जो काम आप गलत कर रहे हो उसको इनकरेज नहीं करना चाहिए कभी भी इनकरेज नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो और आप लोगों को बता रहे हो कि ये जुगाड़ ये कर लो वो एक गलत काम है तो उसको मत इनक्रेज करो तो मैं वीडियोज़ में कभी बताता नहीं हूँ लोगों को क्योंकि अक्सर बॉर्डर्स पर जो है वो अलाउ नहीं होता कुछ पे वो खुलेआम कहते कोई इशू नहीं आप बनाओ वीडियोस लेकिन जो इसराइल वाला बॉर्डर था उस पर तो मैंने भी बंद कर किया क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं लास्ट टाइम गया था उन्होंने बड़ी इन्वेस्टिगेशन थारो इन्वेस्टिगेशन की थी इस बार भी जब मैं गया था तो मैंने अपना कैमरा जो है पहले बंद कर दिया क्योंकि जॉर्डन वाले जो है वो बड़ा ख्याल रखते हैं मतलब आपकी हर चीज़ चेक करके कैमरा जो है वो कहेंगे नीचे कर दो ये बंद करके जेब में डाल दो तो मैं पहली बार ये हुआ था मेरे साथ उधर ना जरूसलम इसराइल के बॉर्डर पे कि वो लड़की आई उसने सब कुछ पूछ के चली गई है इंटरव्यू लिया थोड़ी देर बाद है कि अब्रार यू हैव बिकेम ए सेलेब्रिटी जब आप पहली बार आए थे तब तो लोग आपको इतना नहीं जानते थे अभी तो बहुत जानते हैं तो मुझे शौक़ लगा क्योंकि मिडल ईस्ट में कभी किसी ने शायद गूगल ही नहीं किया अब उन्होंने वो पूरी इंफॉर्मेशन पहले की भी रखी होती कि कब लास्ट पहले आप गए थे दोस्तों के साथ जब भी आपने कवर किया था तब भी किया था मैंने सही ठीक है तब मैं तब वो चार पांच वीडियोस बना के वो जो मुझे याद है वो मुझे याद है उसमें आप पैदल थे, पे हाँ बाइक पे नहीं था लेकिन दूसरी बार अभी मैं ना बाइक पे गया बा सबसे सेफ अगर मिडिल ईस्ट में मैंने किसी जगह कैमरे का इस्तेमाल किया तो वो इसराइल ही था मैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था मैं एक घर की छत पे गया इधर सामने जो वो पुल आर्मी वाले खड़े हुए मैं उधर ही खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ सामने कैम बिल्कुल आप कह जहाँ पर आप बैठे यहाँ पे उनके कैमरे लगे हैं मुझे सारा सुन रहे हैं तो उन्होंने अग, अगले दिन मुझे पकड़ लिया उधर कहते हैं कि आप क्या बना रहे हैं मैंने कहा वीडियो बना रहा हूँ कहते ठीक है, है कुछ नहीं हालाँकि यही काम अगर किसी और मिडिल ईस्टर्न कंट्री में कर रहा होता तो सीधा होता सीधा अंदर था तो बॉर्डर पर ये होता है कि आप को अगर हाँ कैमरा चल रहा है ना तो वो कहें कैमरा बंद कर दो बंद कर देता वैसे मैं चला रहा होता हूँ मैं इस चीज़ का वेट करता हूँ कि अगला बंदा आपको कह दे कि कैमरा बंद कर दो फिर मैं बंद कर देता हूँ सो मैं दो जगह बोला एक तो ये बॉर्डर पे आपका कैमरा दूसरा जब आप ईलिंग वॉल गए और आपका कैमरा ऑन था और फिर आप अंदर चले गए थे हाँ और मैंने बोला अरे आपका कैमरा खुला हुआ है क्लियरली यू लुक यू डोंट लुक लाइक दैट यू शुड बी देर और इनमें से कोई कुछ कह भी नहीं रहा और आप जाए जा रहे हैं अंदर जाए जा रहे जाए जा रहे हैं तो मुझे बड़ा हुआ था कि यार मैंने बड़ी हिम्मत है भाई मैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि कोई बंदा मुझे कहे कि क्यों कर रहे हो एक्चुअली वो शबात का दिन था yeah. तो शबात का भी टाइम नहीं हुआ जैसे शबात स्टार्ट होती है फिर तो आप भूल जाएंगे वहाँ पे आप कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं शबात से पहले मैंने पूछा था उससे एक से कि तो कहता है कि अगर आपको कोई अंदर मना करे ना तो आप बंद कर देना अभी आप इसको जो है वो चलाते हैं जो और भी बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं लेकिन मैंने नोटिस किया कि अंदर वाला जो एरिया था उसमें मैं ही बना रहा था लेकिन हाँ। वो एक ऐसा इंटरेस्टिंग सिनेरियो था हाँ। तो मैंने कहा कि लोगों को ये चीज़ दिखानी चाहिए डिटेल में तो मैं कोशिश करता रिस्क में लेता हूँ क्योंकि मैं वही चीज़ बताता हूँ ना कि जब कॉन्टेंट आप बना रहे होते ना तो उसके लिए आप कोशिश करते हो कि अपनी मेहनत करो हाँ ये ज़रूर है कि आप कुछ लिमिट्स होती हैं उनको क्रॉस ना करो मतलब अगर मुझे कोई बंदा कहता है कि बाद में भी मैसेज आते हैं कि आपकी वीडियो में मैं हूँ उसको डिलीट कर दो तो मैं डिलीट कर देता तो हूँ या वीडियो के अंदर नहीं लेके आता लेकिन अगर वैसे वो चल रहा होता है तो वो फिर मैं इंतज़ार करता हूँ कि अगला बंदा खुद कह के बंद कर दे सही तो फिर आपने इसराइल का ट्रिप किया तो उन्होंने कहा कि आप बहुत मशहूर हो गए तो फिर उनका रिएक्शन कैसा था नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा वेलकम टू इसराइल मतलब लोग बहुत अच्छे थे बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले आई थिंक वो जो अच्छे लोग होते हैं उनका पॉलिटिक्स से कम ही लेना देना होता है बाकी आई थिंक वहाँ पे आप अगर किसी सेटलमेंट्स में जाए जहाँ पे मैं नहीं जाता था क्योंकि वहाँ पे कैमरे पे इशू हो सकता क्योंकि सेटलर्स जो थे वो थोड़े से जो है ना लास्ट टाइम भी मेरे साथ एक इंसिडेंट्स हुआ था कि मैं वीडियो बना रहा था तो वो पत्थर भी आरने लग गई तो मैंने फिर बंद कर दिया था तो वहाँ पर लोग जो है ज़रा हॉस्टाइल्स हैं तो मुझे पता चल जाता आप जब वॉक कर रहे होते हैं ना आपको आइडिया हो जाता है कि यार यहाँ की वाइब जो है ना अच्छी नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा कैमरे से परहेज किया जाए या इससे बेहतर है आप निकल जाए क्योंकि you, you feel like you doesn't belong here. तो से गए थे uh, पाकिस्तानी पासपोर्ट से भी उस रास्ते से एंटर होते है उसके अलावा दूसरा बॉर्डर जो उनका ओपन है वो इजिप्ट के साथ है लेकिन इजिप्ट Uh, लेकिन जॉर्डन और इसराइल की बहुत क्लोज टाइज है टर्म्स ऑफ टूरिज्म क्योंकि जो बंदा इसराइल आता है वो विद इन वन टू टू आवर्स जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके जॉर्डन आ जाता है हुँ. और जॉर्डन हैज लॉट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस स्पेशली पैथरा तो बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो अपना जब ट्रिप प्लान करते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो पैथरा को भी विजिट करें तो इसीलिए वो जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वो आई थिंक ऑन डेली बेसिस जो है न टूरिस्ट एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करके जा रहे होते हैं जॉर्डन और इसराइल टूरिज्म पे दोस्ती कर सकते हैं लेकिन इंडिया और पाकिस्तान इवन इजिप्ट कर करतेजिप्ट हाँ।, हाँ।, हाँ क्योंकि इसराइल इज वेरी एक्सपेंसिव बहुत एक्सपेंसिव है आप कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड की तरह है तो आ, वहाँ पे अगर आप किसी जगह डेड सी जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे आप एक होटल लेना चाहे आपको ढाई सौ तीन सौ डॉलर से कम नहीं मिलेगा जॉर्डन वाली साइड पे भी आपको दो ढाई सौ डॉलर का मिलेगा वही आप इजिप्ट में चलेंगे चले जाए आप ढाई सौ तीन सौ डॉलर में जो है ना पूरा वीक गुजार लेंगे तो इजिप्ट की उनके साथ बड़ी क्लोज टाइज है इन आप वहाँ पे जाए सिटीज के अंदर पूरे के पूरे इसराइली बैठे होंगे मैंने अपनी जिंदगी का पहला यहूदी इजिप्ट में देखा था हाँ तो वही ना वहाँ पे बहुत टूरिस्ट जाते हैं और इजिप्ट के लिए भी अच्छा है कि उनके लिए पैसे आते हैं इकॉनमी आती है तो उन्होंने अपना वो ओपन रखा हुआ है बहुत ज़्यादा जॉर्डन आते हैं मतलब तो तो मैं जिस दिन बॉर्डर क्रॉस कर रहा था उस दिन अराउंड कोई 500 के करीब जो है ना जो ये स्पेशली ये नहीं होते ऑर्थोडॉक्स ये क्रॉस करके पैतरा की तरफ जा रहे थे जॉर्डन में तो फाइव हंड्रेड इज एज नंबर तो लोग आते जाते बस ये होता है कि केयरफुल रहते हैं कि पब्लिक में स्पेशली एक वो सेंटिमेंट तो है ना तो उनकी जो गाड़ियाँ होती हैं उसके ऊपर नंबर प्लेट चेंज कर देते हैं तो उनकी इसराइल वाली उतार के उसके ऊपर जॉर्डन के लगा देते अच्छा ये, है। ये भी चलता है ये, हाँ। चलता है ये होता जो है वहां पर भी सही अच्छा फिर इसराइल के बाद आपका किधर जाना हुआ उसके बाद मैं वापस जॉर्डन आया था जॉर्डन से सऊदी अरेबिया और फिर जो है वो कतर वर्ल्ड कप और इस सारी जगह की थी जॉर्डन के बारे में बताएं जरा जॉर्डन uh, uh, खूबसूरत मुल्क है हिस्टोरिकल है बहुत कुछ है वहाँ पे देखने के लिए uh, तो मैंने वहाँ पे आई थिंक दो वीक गुजारे थे दो वीक में काफ़ी जगह विजिट की और आई थिंक हाईली रिकमेंडेड है जरूर तो जाना मैंने सुना अमान बहुत खूबसूरत है अमान इज़ वन ऑफ दी मिडल ईस्टर्न सिटीज जहाँ पे आपको जुलाई अगस्त में भी यूरोपियन वेदर में रियली जाए really? हाँ मतलब वहाँ पे आपको जो है वो ट्वेंटी फाइव शाम के टाइम ट्वेंटी टू दिन के टाइम जो है वो तीस के आसपास होगा धोपित क्योंकि पीछे सीरिया से लेके अलेप्पो से लेके तुर्की के, के बॉर्डर से वो एक पूरा प्लेटो है जिसके ऊपर दमस्कस है फिर आगे अमान है और यही फिर जो है वो दोनों साइड पे एक तरफ से देखे तो सऊदी डेजर्ट है या आ, सीरिया का डेजर्ट है या इराक का डेजर्ट है दूसरी तरफ जो है वो डेड सी है और बिल्कुल एंड पे फिर जो है वो आ ये आ जाता है रेड सी तो वो जो दरमियान वाला प्लेटवन है वो एक वो हिस्टोरिकल रास्ता भी रहा है हमेशा से कि जो भी हजाज खराम आते थे वो यही रास्ता लेके आते थे वो डेजर्ट में से नहीं गुजरते थे तो उसी रूट के ऊपर जो है वो काफी जो है वो इस्लामिक टाइम पे या इससे पहले बैजेंटीन टाइम जो भी था वो काफी जंगे वगैरह भी होती थी तो ये एक बड़ा हिस्टोरिकल सा रूट है तो आज भी वहाँ पे आ दमस्कर है या अमान है हम्म सही अच्छा फिर अब जॉर्डन के बाद फिर आप किधर गए सऊदी अरेबिया हाँ उससे पहले मैं जो है वो सीरिया गया था या लेबनान वगैरह गया अच्छा आपकी जो सीरिया वाली वीडियो है उसमें एक चीज मैं नोट कर रहा था कि जब आप अलेप्पो से गुजर रहे थे जो कि बिल्कुल जंग से उसका बुरा हाल था और जी जी. कोई बिल्डिंग साबुत नहीं थी उसके बावजूद वहां सड़क बिल्कुल साफ थी और कोई खड्डा नहीं था और मैं अपनी टीम को ये दिखा रहा था कि देखो टूटे फूटे अलेपो की भी सड़कें अच्छी हैं बनस्बत कराची से देखिए जुनीद भाई बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं कि सीरिया सेल्फ सफिशेंट इस जंग से पहले सीरियन से बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे थे और ये इस जंग ने तो उन्हें फकीर बना दिया मतलब एक वो बंदा जिसने गुर्बत देखी ना हो और रातों रात उसका ये हाल हो गया सीरिया का ये हाल था वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते थे, थे क्योंकि वन ऑफ दी हिस्टोरिकल कंट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर uh, बहुत अच्छा था लोगों की पेज अच्छी थी जॉब्स अवेलेबल थी उनके पास एग्रीकल्चर है उनके पास ऑयल एंड गैस है उनके पास डेजर्ट है वो साथ जो है वो उनके uh, पास जो है वो बीच रिजॉर्ट्स है तो सब कुछ था उस मुल्क के पास लेकिन उनकी बदकिस्मती कि वो जंग की वजह से उन्हें जो है वो ये हालात देखने पड़े तो लोगों से आप बात करते थे ना बात के करते थे उनके चेहरे से आपको सब कुछ नज़र आ जाता था कि ये लोग इन्होंने गुरबत नहीं देखी थी लेकिन आज इन्हें अचानक से ये देखना पड़ता है तो वो कहते हैं ना कि रातों रात जो हालात चेंज हुए वो सीरिया के तो वो हालात चेंज हुए थे सीरिया में और बताएं जो इंटरेस्टिंग आपकी ऑब्जरवेश रही हों या फिर कुछ ऐसी जगहें जो शायद वीडियो में ना फीचर की हों उसके बारे में ज़रा बताएँ सर दमश जो है उस, उस आई थिंक न सिर्फ सीरियंस की बल्कि हमारी भी खुशकस्मती है कि दमस्कस जो है वो इस जंग में बचा रहा है तो आज भी आपको वही हिस्टोरिकल टाउन मिलेगा तो आई थिंक दमस्कस और जरूसलम दो ऐसे टाउन्स हैं जो सिटीज़ हैं जो अगर कभी किसी को मौका मिले और वो चाहे कि वो हिस्ट्री देखे वो उसी तरह के जो है वो मार्किट्स वहाँ पर देखे तो ये दो उन जगहों में से है उसके अलावा आई थिंक uh, जब सिटीज़ में से गुजरते थे ना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे देख के कि यार मैं लोगों को क्या बताऊँ hmm. मतलब हर चीज़ बिल्डिंग गिरी हुई है किलोमीटर वाइज आप चलाते जा रहे हो और आप मेरा रोना निकल जाता था मैं नहीं बता पा रहा था कि मैं यहाँ पर लोगों को क्या बताऊँ भाई hmm. क्योंकि वो चीज़ आपने इमेजिन ही नहीं की होती क्योंकि वहाँ पर ना डेढ़ सौ किलोमीटर है आई थिंक होम्स या हामा से लेके अलेप्पो तक hmm. जुनेद भाई डेढ़ सौ किलोमीटर के अंदर एक भी ऐसा गांव नहीं था कि जो आपको बर्बाद हुआ नजर ना आए एवरी सिंगल विलेज और रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं सब कुछ तबाह हो चुका है तो वो चीज़ मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी और आई होप कि कभी देखनी भी ना पड़े मतलब जंग ने उनका ये हाल कर दिया था कि मेरे जैसा बंदा जो इतना ट्रैवल करता है जिसने तरह तरह की चीज़ें देखी होती लेकिन वहाँ जा के मैं कहता हूँ कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैं लोगों को क्या बताऊँ मैं बस सिर्फ देख रहा था ऑब्ज़र्व कर रहा था और मैं कहता था यार मैं क्या बताऊँगा कि सब कुछ बर्बाद तो हुआ पड़ा है यहाँ पर कोई बंदा नहीं वहाँ पर कोई बंदा नहीं रह रहा वहाँ पर रोड के किनारे आपको कभी कभी को लिफ्ट मांगते हुए चार बंदे नजर आएंगे लेकिन उसके अलावा खाली गांव इतने खूबसूरत एक वो होते हैं ना महलों की तरह घर बने हुए लोगों के किसी की दीवार गिरी है किसी की छत गिरी हुई है आपको पता चलता है कि यहाँ पर बॉम्ब हुआ है या कोई लोगों ने लूट लिया है तो वो आप चीज़ें वहाँ पर देखते हैं आ, वो जो डेढ़ सौ किलोमीटर और फिर आप अलेप्पो एंटर होते हैं सर अलेप्पो का जो अलेप्पो एक हिस्टोरिकल सिटी है उसके आप बाज़ार में जाते हो तकरीबन कोई उसकी जो पुराने दौर में जब बिल्डिंग्स बनाई जाती थी ना तो ख्याल रखा जाता था क्योंकि हॉट एरिया कि गर्मी जो है यहाँ पे एक नेचुरल सा फ़्लो इस तरह का होना चाहिए तो दीवारें दि, जो थी दो दो तीन, तीन तीन मीटर तक भी थी किसी जगह पे तो वो बाज़ार भी तकरीबन सेवेंटी परसेंट गिरा हुआ है मुस्लिम हिस्ट्री का जो सबसे वो पहला हिस्टोरिकल टावर बना था मस्जिद में वहाँ पे वो भी गिरा हुआ है तो वहाँ पर जाके तो मुझे लगा था कि यार मैं ये शायद अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें कभी ना देखूँ लेकिन वहाँ पे मैंने वो चीज़ें देखी और जंग वाकई बहुत बुरी चीज़ है आ, लोग बड़े आराम से इसको ग्लोरीफाई करते हैं हाँ जी होने दो देख लेंगे ये लेकिन नहीं जंग में जो बर्बादी होती है ये आप उन लोगों से पूछें जिनके ऊपर ये पढ़ती है आज सीरियंस पूरी दुनिया में बेचारे जो है वो जलील हो रहे हैं और वो लोग मैं वही चीज़ कह रहा हूँ जिन्होंने कभी ये चीज़ें देखी ही नहीं थी hmm. तो बहुत ज़्यादा लोग तो मेंटली डिस्टर्ब भी हैं hmm. तो उनको कुछ समझ नहीं लग रही आज आज भी जो है सीरिया के कुछ एरियाज में ये चल रहा है तर्की के साथ साथ बॉर्डर वाले जो सारे एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है वो कंट्रोल रेबल्स का है तो सीरिया अभी भी इस चीज़ से बाहर नहीं निकला hmm. और मैं लोगों को ये भी रिकमेंड करता हूँ कि जर्मनी जाएँ या पोलैंड जाएं तो जरूर जाएं ताकि आप देखें कि जंगों ने क्या हाल किया था लोगों का मैंने ना पहली बार नेशनलिज्म जो है ना ये बहुत बुरी चीज़ है जर्मनी में उन्होंने देखा कि हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोगों के साथ क्या किया तो आप देखें ना हमारे यहाँ जो है हम हमें ये चीज़ ना हमारे खून में है या शुरू से भरी जाती है जर्मनी में मैंने सिवाय फुटबॉल के मैचेस के अलावा कभी किसी गाड़ी के ऊपर जर्मन झंडा कभी किसी ऑफिस की छत पे, कभी किसी आ, बिल्डिंग के ऊपर कभी नहीं देखा सिर्फ और सिर्फ आपको जो जर्मन झंडे नज़र आएंगे ना वो नज़र फुट आएंगे वाल फुटबॉल वाला दिन होगा दैट्स इट और अगर आप नॉर्मल डेज में कभी जर्मन झंडा उठा के इधर उधर फिरे ना तो आपको लोग अच्छा नहीं समझते दे फील लाइक यू आर बिलोंग्स टू द राइट नाजी। हाँ। सही अच्छा फिर सीरिया के बाद आपने लबनान का जिक्र किया लबनान में एक तरफ तो लोग बड़ा पार्टी हाँ पहले तो जरा ये वाली साइड बताएं देखिए लबनान के ना दो डिफरेंट सिनेरियोस है मैं जब लिबिन में इंटर हुआ तो वहाँ पे लाइट ही नहीं थी मैंने कहा यार मैं किस शहर में आ गया हूँ मैंने को डेढ़ घंटा चलाई वहाँ पे बाइक कोई लाइट नहीं कुछ कुछ नहीं ये वाद सिटी थी जहाँ पे मैं इंटर हुआ तो मुझे लगा यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि मैंने अभी लेबनान देखा नहीं था तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उस चीज़ को महसूस किया कि यहाँ पे लोगों को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता उन्होंने अपनी ज़िंदगी उस तरह से एडजस्ट कर है लेबनान में दो तरह के लोग हैं अमीर और गरीब अमीर के पास सब कुछ है गरीब के पास कुछ भी नहीं है और जिसके पास है इतनी वो लग्ज़री कार्स और अच्छे अच्छे घर वो मैंने किसी जगह पे पहले नहीं देखे थे मिडल ईस्ट में वो सब हालांकि मिडल ईस्ट में आपको पता है कि आपको सऊदीया से लेके आप कहीं पे भी चले जाएं वो नज़र आएगा लेकिन लेबनान में मैं शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जब आप रोड्स पे वो लग्जरी कार हर दूसरे बंदे के पास तो बंदा कहते यार एक तरफ तो लाइट नहीं है <laughs> और दूसरी तरफ लेबनान जो है वो दिवालिया निकला हुआ है और ऊपर से ये चीजें भी हैं तो वहां पे आई थिंक बहुत ज्यादा इस तरह के जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं उनके अपने वहां पे हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि वो इलीगल या लीगल तरीके से किस तरह से वो करते हैं तो वो कुछ ना कुछ वहाँ पे सीन जो है वो चलता रहता था उनका बाकी लेबनान इज वेरी मॉडरेट वहाँ पे पूरे मिडल ईस्ट में मुझे मुस्लिम शावर मिलता <laughs> <laughs> लेबनान में जाके मुस्लिम शावर ही खत्म हो गए hmm. थे तो वहीं पे भी मुसलमान hmm. ही और टर्की में भी मैंने कुछ जगह एक्सपीरियंस किया नहीं होता आ, मैंने एक्सपीरियंस किया हो सकता है हाँ तुर्की में भी हो सकता हाँ। है लेकिन लेबनान में जाके ये मैंने ना एक शौक सा लगा था कि यार मतलब किसी भी जगह नहीं था मैं किसी भी जगह था ही नहीं सिरे से नहीं है और दूसरा जो था कि हर बंदा जो है वो जो एक चेंज है सीरिया में भी आपको जो है ना कपड़े वगैरह लोगों के ना वो चेंज हो जाएंगे फुल वेस्टर्न माहौल और आप ये भी कह सकते हैं कि वेस्टर्न से भी थोड़ा सा आगे तो सीरिया दमास्कस वग़ैरह में तो सीरिया की हर सिटी नहीं डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी सिटी में दमास्कस में और उधर लेबनान में ये था तो आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लिबरल है और रिलीजन आई थिंक वो नाम की हद तक शायद है लेकिन उससे उनका अब जो है ना कोई ना। वैसे भी लेबनान में आई थिंक 40 45 फाइव जो है वो क्रिश्चियन जी जी आई थिंक वहाँ पे गवर्नमेंट भी क्रिश्चन की है If I'm not wrong. सी लेबनान ने तो काफी अरसा वहाँ पे सिविल वॉर रही है अब थोड़ा सा वो उस चीज से हट गए हैं लेकिन आ, आपको जो है ना वो छोटे गांव में या इधर उधर जाते हैं तो आपको कभी कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है मतलब आ, थोड़ा सा रिलीजियस माहौल मिलता है लेकिन ओवरऑल जो है वो बहुत जो है वो मॉडरेट है, है।, है अच्छा आप इतना मिडल ईस्ट गए सबसे अच्छा शवरमा कहाँ का है सबसे अच्छा लेबनान है ना मैंने लेबनान में जब खाया मैंने कहा पहले सब मसाक था कसम से मैंने सीरिया में भी खाया सीरिया के शौरमा बड़ा मशहूर है हाँ। लेकिन सर जी जो खाने लेबनान के हैं हाँ। आपको आप दुनिया के किसी भी शहर में लेबनान जो वो कहते हैं ना लोग कहते हैं लो है यार ये बहुत अच्छा लेबनीज रेस्टोरेंट है उसके खाने में और लेबनान के एक ढाबे के खाने में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा मैंने लेबनान में कॉफ़ी से लेके ऑरेंज जूस से ले कुछ भी वहाँ पर खाया तो मैं उसको कहूँगा दैट वज बेस्ट अमंग कोई मुकाबला ही नहीं था आज में मुझे अगर कोई कहना कि लेबनान जाना है तो मैं लेबनान चला सिर्फ फूड के लिए तो वो ये होता है कि नॉर्मली आप देखते हैं ना कि यार यहाँ की रेटिंग अच्छी है तो यहाँ पे चले जाते हैं लेबनान में आपने कहीं पे भी चले जाए वो अच्छा ही है मैंने ऐसा ईरान के बारे में सुना है मेरा ईरान कभी जाना नहीं हुआ ईरान के खानों में फ़र्क पता है क्या है ईरान बहुत ज़्यादा मसाले और इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करते लेबनान में वो थोड़ा सा था कि जो हमारे टेस्ट बर्ड्स को ना अट्रैक्ट करती है चीज़ ईरान के खाने बहुत अच्छे हैं लेकिन वो आपको कुछ दिन के बाद लगे कि यार अब थोड़ा सा कुछ जो है वो डिफरेंट हो होगा लेबनान में वो चीज़ नहीं थी आपको लगता है कि ये हमारे खानों से मिलते जुलते हैं लेकिन अफकोर्स वो मेरा भी जो फेवरेट चॉइस ऑफ क्जीन रहा है वैल आई वाज लिविंग इन दुबई तो लेबनीज फूड ही था आप अगर आपने कोई खाना है तो आप जरूर चले जाएँ जरूर बड़ा मशहूर है उसके शवर में ही अलग होते थे सर आप एक बार लेबनान जाए चले मेरे साथ खाना तो ट्राई तो करें और मैं हंड्रेड परसेंट शेयर आप ख़ुद कहेंगे कि यार वो पहले वाला जो था ना वो सिर्फ उन्होंने लोगों को पागल बनाया हुआ है कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको खाने पीने की बड़ी दिक्कत हुई हो यूरोप में होती है अक्सर मुझे क्योंकि आप थोड़ा सा हलाल का ख्याल रखते हो तो यूरोप में जो है ये अक्सर होता है दूसरा उसके अलावा मिडिल ईस्ट में तो कहीं पे भी नहीं थी किसी भी जगह क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो उस चीज़ पे ख्याल नहीं रखता कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना बस ये ज़रूर होता है कि यार थोड़ा सा अनहेल्दी ना ही खाया जाए तो बेहतर है लेकिन फिर यूरोप में आपके पास बहुत ऑप्शंस नहीं बचती तो वो फिर आपको शाम को अक्सर जो है वो ढूंढना भी पड़ता है तो ये एक चक्कर है बाकी तो इतना तो मुझे सबसे ज़्यादा इशू हुआ था, था वार्सो में उन्होंने हर दुकान का नाम कबाब तो ज़रूर रखा हुआ है जी जी मगर मुझे ये भी याद था कि इंग्लैंड में ख़ास तौर तो पर लंडन में जो पोलिश कम्यूनिटी है वो सबसे ज़्यादा कैम्पेन करती है हलाल फूड के अगेंस्ट बाकायदा उनके वहाँ पे कैंपेन चलाई जाती है कि भाई हलाल मन करो तो मतलब ये तो हो नहीं सकता कि इसने दुकान का नाम कबाब रखा तो मैं हमेशा पूछता ज़रूर था इज़ मुस्लिम फ्रेंडली वो कहते नो मैं तो मैं तीन दिन मैकडोनल्ड के फ्राइज़ खाए क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था जी जी और फिर ये कि -एक, एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला फिर वहाँ जाके दाल खाई तो जाके सुकून मिला थोड़ा आलू का पराठा खाया तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना वहाँ पोलैंड में वॉर्सो में हुई थी मुझे एक्चुअली जो सबसे मज़ा आया ना वो इंडिया में आया खानों का उस उसपे मैं आता हूँ मैंने खानों के अलग सवाल रखे हैं आपके बिल्कुल लेकिन उसके अलावा जो सबसे आप इजी था वो मिडिल ईस्ट पे था आंखें बंद करके कहीं भी चले गए कोई इशू नहीं है प्लस वो थोड़ा सा हाँ यूरोप हाँ। में ये जरूरत है दूसरा आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में आप जब ट्रेवल पे पाकिस्तानी इंडियन बहुत काम करते हैं तो यहाँ पे ये जो फ्यूल पम्प्स होते हैं मिडिल ईस्ट की जो अच्छी बात है कि एक्सपेंसिव तो है लेकिन हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ वहां पे रखा है अगर एक बंदा दस रियाल कमाता है तो उसको दस रियाल के मुताबिक वो अपनी जिंदगी गुजार सकता है अगर एक बंदा ट्रैवल करता है ट्रक वाले जो होते हैं तो उनको होती है कि वो अच्छा खाना खाए लेकिन कम पैसों में खाए अदरवाइज तो अपनी सारी सैलरी लगा देंगे तो उस तरह जो है ना वहाँ पे रेस्टोरेंट मिल जाते थे ढाबे सऊदी अरेबिया में तो उसको मैंने बड़ा इन्जॉय किया खाना अपने टेस्ट का मिल जाता था लोगों से गपशप हो जाती थी और लोग भी बड़े क्यूरियस होते थे तो पाकिस्तान तो आया पंजाब के या इंडिया के कभी मिलते थे तो वो भी यही पूछते थे तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा फिर वहाँ पर मसाजिद होती थी तो वहाँ पर अगर आप गर्मी है ऐसे चल रहा है आप जाके एक दो घंटे सो जाए सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं था बाइक के ऊपर कुछ भी लगे आप वापस आए उसी की तरह खड़ी होगी तो ये वहाँ पे बहुत एडवांटेज था अच्छा ये बताइए कि अगेन जब आपकी मैं वीडियोस देख रहा होता हूँ जब आप दूर दराज इलाकों में निकल जाते हैं सीरिया में तो आपके साथ गाड़ी भी थी थिंक आपके गाइड आपके साथ थे सीरिया में बट बहुत सी जगहों पे आप अकेले होते हैं जी जी। तो फिर मेरे जहन में भी, भी सा ख़्याल आता है अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया या कोई चेन में कुछ हो गया या क्लच वायर में कुछ हो गया तो अब भाई क्या करेंगे तो कभी ऐसा कोई वाक़ हुआ हैं इस तरह के वाक़ ये आपके जहन में होता है लेकिन एज अ ट्रैवलर इसको आप कभी ये नहीं करते कि इस बेस पे मैं अपना सफ़र जो है ना ये ना करूं हाँ आप ये ज़रूर करते हो कि किसी रिमोट एरिया में जा रहे हो तो फिर प्लान करते हो कि यार रात को ना और अगर रात को आपके पास टेंट है खाने का सामान है तो फिर आप आराम से वो भी कर सकते हैं तो मेरे साथ सऊदी अरेबिया में हुआ था मैं आ रहा था मेरे तकरीबन सात साढ़े सात सौ किलोमीटर का सफ़र था एक छोटा सा आइलैंड है आ, क्या नाम था मुझे उस आइलैंड का नाम ज़रा भूल गया वहाँ से मैं जद्दा की तरफ़ आ रहा था आप इमेजन नहीं कर सकते मैं गुज़र रहा था तो टम्परेचर था फिफ्टी के आसपास फोटी के आसपास मेरे जहन में ये सवाल चल रहा है मैंने कहा अगर इधर तेरी बाइक पंचर हो जाए यहाँ पे तो साया भी नहीं है तेरी तो बरवाड लग जाएगी क्या करेगा तू और थोड़ी देर बाद कुछ सौ किलोमीटर मैंने किया ऐसे मैं फ्यूल पंप पे आके रुका मैंने कहा यहाँ से पानी लेता हूँ थोड़ा सा रिफ़्रेश होता हूँ मैंने देखा मेरा टायर पंचर हुआ है पीछे <laughs> <laughs> वो टायर एग्जैक्ट उसी जगह पे पंचर हुआ थोड़ी देर पहले हो गया क्योंकि वो ट्यूबलेस टायर है क्या? तो ऐसा आसते उसमें से हवा निकलती है तो वहाँ पहुँचा हूँ फिर वो साथ में जो एक पाकिस्तानी ट्रक वाला आ गया वो आगे के ट्रक पे मैं पीछे पीछे जो है बाइक में हवा भर के जो है वो उसके जा रहा हूँ कि हम कोई जगह ढूँढ लें यहाँ पर तो हेल्प सर मिल जाती आपको लोग जो हैं वो स्पेशली जब वो देखते हैं कि एक बंदा मुसीबत में है तो वो अपना हर चीज़ छोड़ छाड़ के जो है वो आपके साथ लग जाते हैं और हर जगह पे जहाँ पे भी अगर कोई छोटा मसला होता तो में हुआ था वहाँ पे भी लोगों ने सामान समून मेरा उठा के वो पहाड़ी के ऊपर लेके गया ऊपर से हमने बाइक को जंप स्टार्ट किया तो फिर वो नीचे मिलने आ गए तो हर जगह पे जहाँ पे भी कोई मसला हुआ हमेशा अच्छे लोग मिले तो कभी ऐसा हुआ कि आप बिल्कुल एक ऐसी जगह आए हो जहाँ फिर आपको डर लग गया हो यार ये मैंने गलत पंगा ले लिया ईरान में एक डेजर्ट में दस्तलोत डेजर्ट वहाँ पे मुझे था कि आज दस्तलुत में दशते लूत, कौ, लूत।, लूत, 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 अच्छा लूत।, लूत दुनिया का हॉटेस्ट डेजर्ट दिन के टाइम वहां डिग्री था तो मुझे था कि मैं रात आज यहाँ पे गुजारूंगा उसकी ना शेप्स बहुत अच्छी है मतलब एक ड्यून्स ड्यून्स जो होती नहीं वहां पे ना छोटे छोटे से पहाड़ बने हुए तो वो शेप बहुत एक ऐसी वियर्ड और एक ऐसी यूनिक है कि आपको किसी और जगह पे देखने को नहीं मिलती तो मैंने कहा रात आज यहाँ पे गुजारता हूँ फोटोग्राफ़ी करूँगा और सुबह निकल जाऊँगा अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ज़रा चेक कर ले कि चाँदवी की चाँद की कौन, कौन सी डेट है चौदहवीं के चांद है वो ऐसे लाइट हुई है कोई सितारा नज़र ही नहीं आ रहा अब रात तो मैं वहाँ पर रुक गया 45 फाइव डिग्री रात को मुझे पसीना आई जावे सांस भी नहीं आई पाँच बजे मैं उठाऊँ नींद नहीं सही तरह से आ सके रात को मैं अंडरवेयर में घूमता रहा इधर उधर के कि यार किसी न किसी जगह पे जो है कि यार ला सुबह जल्दी हो जाए मैं यहाँ से निकलूँ सूरज के निकलने से पहले अकेले थे। हाँ तो मैंने अपना सामान स्पून पैक किया और तकरीबन कोई बीस पच्चीस मिनट ना मैं मेन रोड से चला के ना ऑफ रोड अंदर की तरफ आ गया ताकि लोग लोगों की नज़र से ओझल हो के आप हमेशा कैंपिंग करते हो क्योंकि आपको पता है मोस्टली चोरी चकारी और अगर कोई नुकसान रहा है तो वो लोगों की वजह से होता है तो वो फिर मैं सुबह सुबह जो है वो करके वो निकल गया तो वो आई थिंक एक ऐसा बेवकूफ़ाना थोड़ा सा कह सकते हैं कि मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी हार्श क्लाइमेट में जो है आप मतलब लोकल्स को तो पता होता है हम टूरिस्ट हमेशा जो बेवकूफ़ी कर बैठते हैं तो वहाँ पे आपको लगा कि यार ये मैंने गलत पढ़ा हाँ ये लिया। गलत ले लिया क्योंकि वो बहुत ही हार्श क्लाइमेट थी वहाँ की मुझे ये फीलिंग आई थी मैं मेलबर्न में आ, एक, एक, किसी साहब उनका गैराज है आ, उनसे गाड़ी लेके दोस्त के मेरे दोस्त थे क्योंकि वो कार रेंटल बहुत दूर था आ, एक घंटा इस साइड था और मुझे एक घंटा इस साइड जाके चार घंटे का हाईवे पकड़ना था और फिर एंजॉय करके चार घंटे वापस तो ये सूटेबल रहा क्योंकि उनका गैराज हाईवे के साथ था तो मैंने उनकी गाड़ी ली गाड़ी थोड़ी सी पुरानी थी आ, और उसकी ट्रैक्शन जो है ना थोड़ी मज़े की थी और उस दिन सारा दिन बारिश होती रही तो मैं मेरा जो चार घंटे का सफ़र था द ग्रेट ओशन ड्राइव जो मेलबर्न से फिर आप अंदर जाते हैं वो छः घंटे की होगी क्योंकि बारिश होती रही पूरा टाइम और गाड़ी स्लिप हो रही थी तो खैर मैं गया मैं पहुंचा ही मगरब के टाइम बिल्कुल मग़रब से थोड़ा सा पहले पहुंचा जल्दी जल्दी जली चीज़ें देखी तस्वीरें भी नहीं सही से खींचता सकता क्योंकि बारिश हो रही थी बारिश छतरी मैंने ली नहीं थी क्योंकि हमें ना वो वाली आदत ट्रेनिंग नहीं है यूरोप वाली के रोज़ाना मौसम देख के निकलना है घर से क्या आज बारिश है कि नहीं है तो वापसी में फिर अंधेरा हो गया और वो मैं डीप ऑस्ट्रेलिया के अंदर था और वहाँ कैसे कैसे स्पाइडर होते हैं कैसे कैसे सांप होते हैं और वो बहुत पतली सड़क थी और वो टू वे नहीं थी मगर टू वे की जा सकती थी अगर ऑन कमिंग ट्रैफिक है तो आप थोड़ा सा साइड पर हो जाएं तो वो जिस तरह यूं 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 और फिर गाड़ी कभी यूं निकले कभी यहाँ निकल जाए मुझे डर लगेगा यार अगर कहीं डिच में मैं गिर गया यहाँ कौन आएगा मुझे बचाने हालांकि मुझे बड़ी रीश्योरेंस दे के भेजा दोस्त ने भी कि कोई भी मसला हो ये नंबर डायल करना हेलीकॉप्टर आ जाएगा वगैरह वगैरह कोई मसला नहीं है यहाँ पर बहुत सेफ़्टी है कोई सांप काटे सांप को नहीं मारना हेलीकॉप्टर बुला लेना क्योंकि सांप को आप नहीं मार सकते वाइल्ड लाइफ के बारे में बड़ा वो है तो अब फिर मुझे आई नींद नींद अलग है तो अब गाने भी तेज़ लगाए हुए हैं फिर मैं वो कहते हैं ना गाड़ी में अगर नींद आए तो शीशा नीचे कर लो हवा लगती है अब हवा ना लगे बारिश अंदर आए क्योंकि बारिश ही नहीं रुक रही फिर कभी कभी होता था ना कोई हम सफ़र गाड़ी लग गई तो उसके साथ साथ जा रहे हैं कि चलो यार ये जब तक दिखता रहेगा मुझे तो मुझे हिम्मत रहेगी मगर अब कोई रेंज रोवर है वो तो भगा के जा रहा है वो रुक ही नहीं पा रहा मतलब मैं किसी को हम सफ़र नहीं बना पा रहा था यारो मैंने किस तरह सफ़र तरी है <laughs> और जैसे ही मैं फिर मेलबर्न के हाईवे पे आया और स्ट्रीट लाइट्स नजर आई मैंने अल्लाह का नाम लिया अल्लाह शुक्र है यहाँ अगर खुदा ना खासा कुछ हो जाए तो कम से कम लोग फ़ोन करने वाले हैं वहाँ मैंने बोलता यरी मैंने बहुत बेवकूफ़ी की एक्चुअली ये इस तरह के इंसिडेंट मेरे साथ पाकिस्तान में भी हुआ है जब मैं पहले जर्मनी से पाकिस्तान आया था तो मुझे पाकिस्तान के ट्रैफिक का आइडिया नहीं था यहाँ पे इधर से रेड़ी वाला आ रहा है इधर से तांगे वाला आ रहा है जीटी रोड पाकिस्तान की बहुत डेंजरस है और मेरी अथॉरिटीज़ अगर कोई देख रहा हो तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे गौर किया जाए मोटर पे बाइक्स को अलाउ नहीं करते बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जो पाकिस्तान आते हैं ना ट्रैवलर्स उनका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस इस ट्रैफिक से पड़ता है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की वो इधर पड़ता है hmm. उनको आइडिया नहीं होता कि किस तरह चलानी है फिर वहाँ की जो लाइट्स होती है ना वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती है क्योंकि दूसरी तो आप बाइक्स पे लगा नहीं सकते या गाड़ी पे लगा नहीं सकते हाँ। उसमें लाइट्स में, उन में उधर ही आता है। कुछ नहीं नजर आता है आगे जो है वो मोटरसाइकिल वाला है उसने अगर कोई पीछे लाइट है बिल्कुल वही तो मुल्तान से यहाँ तक मैंने कुछ छह घंटे में किया था ननकाना साहब तक का सफर नॉर्मली वो साढ़े तीन चार घंटे का और अक्सर ऐसे क्लोज़ होते थे तो मैं बिल्कुल उस बाइक के या रेडी के पास पहुंचता तो मुझे नज़र आता था सामने है क्या चीज़ फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया था वो फिर आधे रास्ते आ गया था आ गया कि वो गाड़ी पे था तो वो इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें आपको लगता है कि यार जब एक नया ट्रैवलर आएगा तो वो क्या बनेगा उसके साथ तो इसीलिए पाकिस्तान में बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं जो फ़ॉरनर्स आते हैं बेचारे उनको इस ट्रैफ़िक का आइडिया नहीं होता वो एक्सीडेंट हो जाते हैं बेचारों के क्योंकि तो तो हर तरफ देखना ना आप में। हाँ, मतलब नहीं नहीं है कि स, ये है कि वन वे सामने से से कोई आ आ रहा उधर भी आ रहे बिल्कुल है सही है। ये भी होता है अच्छा बैरूत के अलावा और कौन सी अच्छी जगह आपको लगी, लगी में जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे सर लिबिनान बहुत छोटा सा लिबिन की एक खास बात यह कि आप चार पांच दिनों में सारा लिबिनान जो है वो एक्सप्लोर कर सकते एक दिन एक तरफ चले गए दूसरे दिन दूसरे और आप जो है वो बैरूत बे, को अपनी जो है वो बेस बना सकते हैं यहाँ से वहाँ त्रिपुलू जी है त्रिपुली है उनकी बिल्कुल वो सीरिया के बॉर्डर के साथ तो वो है हिस्टोरिकल सिटी आई थिंक क्या नाम है उनका आ, आ, सल्तनत का टाइम था जो कायरों में जिनकी सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल बिल्डिंग सेम वही सल्तनत जो है वो त्रिपुली में भी थी तो आपको बैरूत में कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वगैरह कुछ नज़र नहीं आएगा लेकिन त्रिपुरी में नज़र आएगा तो वहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि उनका जो है वो पुराना ओल्ड टाउन कैसे है पुरानी यूनिवर्सिटीज़ मसाजि चर्चेज़ और इस तरह की वो सारी जगह आपको खिलास वो वहाँ पर मिलेगा लेकिन अगर आपने एक वो इंजॉय करना हो कि लेबनान क्या है तो वो आपको सिर्फ बैरूत में उसके अलावा एक दिन में आप नीचे जो है वो कोस्ट से जो है वो राइड करके ड्राइव करके दो घंटे के अंदर आप पहाड़ों पे पहुंच जाते हैं अगर नीचे गर्मी है तो ऊपर चले जाए ऊपर सर्दी है तो नीचे आ जाए तो बैरू लेबनान की ही एक ख़ास बात है और उस तरह के पहाड़ आपको बाकी मिडल ईस्ट में कम नजर आएंगे सही और इजिप्ट फिर आपके इजिप्ट में गया था आ, लेकिन वीडियोस बनाने से पहले गया था सही तब मैंने इजिप्ट में तीन चार जगह विजिट की जिस तरह जगहो है अस्वान है उसके अलावा क्या नाम था उसका यार अलेक्जेंड्रिया नहीं नहीं अलेक्या हाँ नहीं। लक्सर हा, गया था तो मैंने वो जो है ना दरिया नील के किनारे जो है ना वो सफर जो है न, वो किया था खैर कहते हैं जिसने दरिया नील का पानी पी लिया वो दोबारा जरूर आता है तो कब जा रहे हैं आप दोबारा बहुत दिल है मेरा मुझे सिर्फ वहाँ पे डर लगता है कि अथॉरिटीज़ बड़ी टफ है उनकी और वहाँ स्कैम बहुत है स्कैम बहुत है तंग बहुत आपको करते हैं बाइक पे ट्रैवल नहीं करने देते अक्सर जगहों पे कहते हैं कि इसको ट्राले में डालो लेके जाओ तो बहुत ज़्यादा फॉर उसके अलावा उनकी रिस्ट्रिक्शंस टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है अब अगर मैंने जाना है इजिप्ट जाना है तो मेरा दिल करेगा कि मैं आगे सूडान भी जाऊँ सूडान से अफ्रीका चला सूडान में सिविल वॉर हो रही है वॉर चल रही मेरा प्लान एक्चुअली इंडिया जाने से पहले यही था लेकिन वो तो ऊपर वाले ने प्लान चेंज कर दिया कि मैं इंडिया चला गया और उधर नहीं गया हो सकता था, मैं शायद वहाँ पे में भी सकता था। कामरान भाई इसीलिए हाँ, अच्छा क्योंकि ए, के there, 2008 वाला टाइम बड़ा अच्छा था उनका बाजार है खानल खली बिल्कुल, बिल्कुल वहाँ तो लगता है आप ग्यारहवीं सदी में आ गए वहाँ पे बाजार में फिरे होंगे उसकी

हाँ वहाँ पर वाइट डेजर्ट गोल्डन डेजर्ट और फिर डेजर्ट के अंदर पिरामिड नज़र आ जाएगा आपको वो चीज़ ही अलग है वहाँ की वहाँ पे स्कैम्स बहुत हैं बहुत से व्लॉग्स नज़र आते हैं कि भाई आप एयरपोर्ट उतरे तो बाहर कोई स्पेशल पुलिस वाला होगा वो बोलेगा वीज़े में ये मसला है आओ मैं करा दूँ दिस डैट इतने व्लॉग्स अभी आने लगे हैं अब दिल नहीं करता वहाँ जाने को आ, मैं सिर्फ कायरो और अलेक्जेंड्रिया गया था और अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी गए थे आप मैं अलेक्जेंडर अच्छा, गया, नहीं गया, नहीं गया आप, मैं सिर्फ ये, आ, अस्वान की तरफ गया था और शेख गए थे आप नहीं वहाँ मैं इसलिए नहीं गया था क्योंकि वो बहुत महंगा था और वो मुशरफ साहब का ही दौर था और कहा जाता था मुशरफ साहब की फेवरेट जगह है तो उसने मुबारक से जब भी मिलने आते हैं तो वो शेख ही आते हैं ये तो नहीं मुझे पता कि वो बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि अगर आप इसको हाँ जब आप यूरोप से आते हैं तो शर्मुल शेख यूरोपियंस में बड़ा फेवरेट है मतलब एक तो ये कि आपको रेड सी देखने को मिलता है फिर आई थिंक यूरोप से जरा सस्ता होगा हाँ। पर शर्मुल शेख जो है वो बाकी जगहों से ये जो मिडल ईस्ट की है उनके शायद स्टैंडर्ड का हो तो वहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं वो कभी मौका मिलेगा तो जाऊंगा जरूर उस साइड पर अच्छा फिर सऊदी के बारे में बताएं आप सऊदी कहाँ कहाँ गए और कैसा रहा आपका ट्रिप देखिए जुनेद भाई सऊदी अरेबिया जो था ना उसने ना सिर्फ मेरी परसेप्शन जो सऊदी अरेबिया के बारे में थी वो चेंज की बल्कि बहुत सारे और लोगों की भी चेंज की समझा जाता है कि सऊदी जो है वो बड़े सख्त लोग हैं हुँ. और उनका रवैया जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो अच्छा नहीं है तो मुझे हमेशा कहा जाता था अच्छा जब तुम सऊदी अरेबिया जाओगे ना तो लग पता जाएगा लेकिन मुझे इतना प्यार जो सऊदी अरेबिया से मिला है वो आई थिंक वो जो एक वो पहला आपका एक्सपीरियंस होता है ना कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं और वहाँ के लोग आपको वो दिल खोल के जो है वो अपनाते हैं वो सऊदी अरेबिया में मेरा पहला एक्सपीरियंस हुआ ऑफ कोर्स उससे पहले मैं ईरान गया था या तुर्की गया था या इराक गया था कोत गया था वहाँ पर बहुत अच्छा जो है वो लोकल जो थे उनकी हॉस्पिटेलिटी की नो no डाउट कोई आ, आ, मैं वो नहीं कर रहा लेकिन जो सऊदी एक मेरी वीडियो वहाँ पे वायरल होगी उसके बाद मैं कहीं पे भी जाता था ना तो सऊदी जो थे अगर उनको पता चल जाता था कि ये बंदा वही है फिर तो मुझे कहीं जाने नहीं देते थे, थे हमारे घर आओ यहाँ पे बैठो खाना का पूरा का पूरा, पूरा बकरा लेके आ जाते थे अब मुझे याद है आ, आपको पता है कि हमारे कल्चर में ना हम जुबान नहीं खाते होते या उसका सर नहीं खाते हाँ। होते का उनके कल्चर में ये है कि मैं उस को ये मिले वो हैड इज़ द बेस्ट पार्ट तो वो सबसे पहले मेहमान के सामने आएगा अब मेहमान जो है ना वो उससे स्टार्ट करेगा मैं कहूँगी यार ये मैं कैसे खाऊँ तो मैं उनको कहता था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियोस मैं अपने वो उसके लिए चैनल के लिए तो आप लोग स्टार्ट करें मैं बड़े तरले मिनते करके नहीं। नहीं। उनसे जो है वो स्टार्ट करवा लेता था मुझे वहाँ पे उन्होंने अपनी शादियों में इनवाइट किया मैं बैठा हुआ खाना खा के जाता था ना पे करने के लिए कहते हैज़ ऑलरेडी पेड फॉर यू अब मुझे नहीं पता था वो बंदा कौन था कौन नहीं था फिर वहाँ पे मुझे बहुत देखा जाता है सऊदी अरेबिया में हालांकि मैं उर्दू में करता हूँ लेकिन ऑफ सब टाइटल वग़ैरह होते हैं जहाँ जहाँ भी मुझे सऊदीज जो है ना अगर मिलते हैं मुझे याद है कि मैं इधर ओमान में था तो वहाँ पर मदीना में इस्लामिक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एक प्रोफेसर साहब हैं तो उनको किसी ने बताया कि यहाँ पे अबरार आया हुआ है इधर निसवा सिटी है ओमान में उसने पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है वो चेक करके सुबह जिसने कहा कि अब्रार आई एम ह्यूज फैन बहुत अच्छा लगेगा अगर हम जो है वो सुबह नाश्ता करते हैं तो एक प्रोफेसर साहब डॉक्टर साहब अगर अपनी ज़िंदगी के वो जो है ना वो ख़ुशी मतलब उनके चेहरे पे वो खुश तो ये वो चीज़ें थी जो मैं बड़ी वैल्यू करता हूँ और मुझे लगता है कि वो एक खुशकस्मत हूँ कि लोग जो है ना आपको ना सिर्फ पाकिस्तानी या देसी लोग इंडियन बंग्लादेश नेपाल के लोग बल्कि वो लोग जिनके साथ आप कल्चरली भी बहुत डिफरेंट है वो भी आपको इतना प्यार करते हैं तो ये मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना वो सऊदी अरेबिया में हुआ था अगर मैं चाहता तो वहाँ से बाहर ही ना कभी निकल पाता क्योंकि लोग तो इतने दीवाने थे वो आपको सऊदी में सऊदी में कौन सी वीडियो आपकी वायरल हुई थी मैं गया था सऊदी अरेबिया जब मैं इंटर हुआ ना तो उससे नेक्स्ट डे मैं जा रहा था एक मार्केट से सऊदी अरेबिया हैज़ चेंज्ड आपको पता है कि अब जो है वो सऊदी अरेबिया वो नहीं है जो पहले था बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है तो वहाँ पर कुछ खातन जो थी वो वो, वो नहीं होते नो मैड होते जिनके वो टेंट शेंट होते हैं वो वहाँ पे रह रहे होते हैं तो वो वहाँ पर दूध या दूध की वो जो प्रोडक्ट्स होती हैं चीज़ और इस तरह की चीज़ें बेच रही थी चाय वग़ैरह मिल रही थी मैंने कहा यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ पहले तो मुझे डर लगा कि ये लेडीज़ हैं इसकी मैं वीडियो बनाऊँ तो पता नहीं इशू ना बने फिर मैंने कहा चलो कैमरा चलते रहने देता हूँ अगर मुझे बाद में कहते हैं कि ये आप बना अपलोड कर दो तो अपलोड तो कर दूंगा नहीं तो ना करूंगा दोस्तों से पूछ लूंगा सऊदी से तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे जो मसूमाना सवाल पूछे कि तुम कहाँ से हैं मैंने कहा पाकिस्तान से आए और किधर जा रहे हो मैं जा रहा हूँ जी मक्का और मदीना की तरफ तो उनका जो रिएक्शन और जिस तरह उन्होंने मुझे अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखाई फिर मैंने वही वीडियोज़ ना अपने एक सऊदी दोस्त को भेजी मैंने कहा यार ये चेक कर कहता है कि सऊदी इट मैंने वायरल अपलोड की है तो उसको जुनेद भाई किसी ने कट करके ना साथ में अरेबिक सब टाइटल के साथ जो है वो डाल दिया टिकटॉक पे वो रातों रात टिकटॉक पर और ट्विटर पे वो रातों रात इतनी वायरल हुई कि अगले दिन मुझे हर अगले मैं था ईद से आई थिंक एक दिन पहले थी तो मैं मक् मुकरमा में था तो मुझे आगे सऊदी गवर्नमेंट की कॉल कि हम आप पे ना एक स्टोरी बनाना चाहते हैं तो हम सऊदी गजहट आई थिंक सऊदी तो उनकी टीम भेज रहे हैं अब mm. मुझे ये भी डर लगे मैंने यार ईद का दिन है मैं फैमिली मेरी वहाँ पे थी मैं अब क्या स्टोरी बना कहते हैं कि नहीं नहीं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वी वुड लव टू उन्होंने जो अपनी टीम भेज दी अगले दिन वो मुझे मस्जिद में लेके गए और वहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ी वो उन्होंने स्टोरी जो है वो फिर एक इंटरव्यू मेरा लेके वो लगाई और फिर मैं वो छोटे किसी गांव में जाता था ना तो लोगों ने वो रखी होती थी, थी उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर आई थिंक उसके व्यूज़ को टू मिलियन प्लस व्यूज़ थे टिक टॉक और वो सिर्फ सऊदी अरेबिया में नहीं पूरे मिडल ईस्ट में जो है ना वो वायरल होगी तब मुझे पहली बार जो है वो टिकटॉक की पावर का भी आइडिया हुआ कि यार देखो एक क्लिप ने मुझे जो है वो इतना फेमस कर दिया है कि मैं पिछले तीन साल में जो चार साल में वीडियोस बना रहा हूँ वो इतना लोग मुझे नहीं जानते थे तो वो चीज़ मैंने उसके बाद फिर लोगों को अगर नहीं भी पता होता ना मुझे कोई काम मैंने कहा हाँ मैं वो बंदा हूँ जिसने ये वीडियो बनाई थी अभी भी, भी। <laughs> तो सारे काम जो है वो निकल आते थे मुझे याद है एक बार ना जद्दा में मैंने ना गलत पार्किंग आपको पता है कि बड़े सख्त है तो वो बड़ा लंबा चौड़ा ना यू टर्न लेके आना चाहिए तो मैंने वही किया कि हम अक्सर गलती कर जाते जो कि नहीं करनी चाहिए तो मैंने कहा कि यहाँ पे खड़ी करके ना तस्वीर लेनी थी मैंने यहाँ पे खड़ी की पुलिस वाला आ गया तो मुझे कहता है कि ये इतना फ़ाइन मैंने कहा मैं जर्मनी से आया हूँ और ये देखो मैंने ये वीडियो बनाई थी वो बड़ा खुश हुआ <laughs> <laughs> कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा आगे जाके खड़ी कर लो अभी यहाँ पे तस्वीर मैंने कहा तस्वीर ले लो कहता हाँ तस्वीर ले लो उसके बाद आगे खड़ी कर देना <laughs> तो मैंने उसको इस इन चीज़ों के लिए भी ना यूज़ किया फिर वहाँ पे एक बार मैं ड्रोन उड़ा रहा था सऊदी में सऊदी में आ, मुझे कुछ नहीं कहते थे पता क्या बात है मुझे कुछ नहीं कहते थे वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ मैं ड्रोन उड़ा रहा था यमन के बॉर्डर के पास और नीचे ना सऊदी उस आर्मी की चौकी थी उन्होंने कैमोफ्लेज किया होता जिस तरह के पहाड़ थे सेम उसी तरह तो नज़र नहीं आ रहे आ आर्मी उनकी तो मुझे कहते कि फुट आप क्यों हमारे चौकी के ऊपर उड़ा मैंने कहा मुझे सर पता नहीं है आप खुद देख लें कि ऊपर से नजर क्या आएगा क्योंकि वो आपने कैमोफ्लैज किया हुआ है तो मेरे साथ एक और लड़का था मैंने उसको कहा कि तुमने ये कहना कि अबरार भाई जो है इनको मैं सिर्फ इंस्टाग्राम से जानता हूँ लेकिन क्योंकि अगर वो कोई इशू बने मुझे डिपोर्ट कर देंगे कोई इशू नहीं है तो तुम्हारे अगर वो अकामा ख़त्म कर दे जॉब ख़त्म कर दे तुम्हारी तो जिंदगी सारी इधर ही है तो रात को ना दो बजे इंटेलिजेंस वाले उसके घर पहुंच गए उस लड़के के उस लड़के के कह वो लड़के का फिर मुझे फ़ोन किया था अबरार भाई मेरी तो टाँगें काँप रही मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा पांच छह गाड़ियों पे लोग आए हैं फिर उन्होंने कुछ पूछा कि ये अबरार वही है जो आया था पाकिस्तान से और उसने ये सऊदी औरतों वाली वीडियो बनाई थी कहते ठीक थी, है तो वो कहते थे कि कोई इशू नहीं है फिर जब भी कभी मुझे आर्मी रोकती थी या पुलिस रोकती थी ना वो मेरे पासपोर्ट की पिक्चर लेती थी

फिर वो ख़ुद ही आते थे कहते कि अच्छा ठीक है आप बनाओ तो ये एक एडवांटेज जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी कंट्री में ये एक्सपीरियंस किया हो कि एक तो ये था कि उस पुलिस वाले से किस लेवल तक वो इन्फॉर्मेशन जाती है वो भी मैंने पहली बार सीखा और दूसरी बार कि आपकी एक वीडियो ने एक वो जो आपने वहाँ पे काम किया उसकी वजह से वो कितने खुश हुए कि ये हमारे कंट्री का पॉजिटिव इमेज दे रहा क्योंकि आपको पता है सऊदी अरेबिया बड़ा क्लोज रहा है सदियों से क्लोज रहा है उम्रा हज के अलावा तो किसी को वीज़ा मिलता नहीं था नहीं। या को काम के लिए जाता था और आई थिंक आई वॉज़ प्रोबली वन ऑफ द फ्यू क्रिएटर्स कि जिसने जाके वहाँ पर पूरे सऊदी अरबिया को एक्सप्लोर किया विदाआउट स्पॉन्सरशिप क्योंकि जब स्पॉन्सर्ड काम होता है वो लोगों को नजर आता है किसके साथ तो पूरी जो है वो पलटून जा रही है और वो पैसे दिए हमें तो आप काम कर रहे हैं तो मैं फिर उनके गाँव कस्बे हर जगह पे गया हूं तो उस चीज़ की उन्होंने काफ़ी जो रिस्पेक्ट और वैल्यू किया उसको सऊदी में आपका और कहाँ कहाँ जाना हुआ एज अ मतलब अदर देन मक्का मदीना तो जाहिर है सऊदी अरेबिया में मैंने ऑफ़ कोर्स ये रियाद वाली साइड जो है ये ऊपर जो है जो तमाम और खूबर वाला एरिया फिर वहाँ से बहरीन की तरफ भी किया था लेकिन नीचे जो है तयफ और वहाँ से ऊपर जो आबा वाला एरिया फिर ये यमन की तरफ जाता होता है फिर नीचे कोस्टल साइड लेके मैं वापस जो है वो जद्दा आया था और फिर जॉर्डन की तरफ़ मैंने जाना था तो फिर ये अलओला वाली साइड मैंने सारी कवर की थी और वहाँ से फिर मैं इंटर हो गया था और सऊदी बहुत बड़ा है सऊदी बहुत बड़ा है मतलब ये वाद कंट्री थी कि जहाँ पे मैं पाँच पाँच छः छः सौ किलोमीटर भी चलाता था ना तो आगे कुछ नज़र ही नहीं आता था तो उससे पहले ये होता जैसे मैं फिर बाद में जॉर्डन में इंटर हुआ तो मुझे वो थी आदत पाँच पॉन छः छः किलोमीटर वाली सो जॉर्डन में या तीस किलोमीटर बाद मेरी डेस्टिनेशन आ जाती थी तो ये चीज़ वहाँ पे थी व्हाट्स द लॉन्गेस्ट स्पेल जैसे कि आप जा रहे हैं और आपको सप्लाईज़ की ज़रूरत है आ, पेट्रोल स्टेशन तो आप वर्कआउट करते ही होंगे पहले और एम श्योर आप कैरी भी करते होंगे थोड़ा इमरजेंसी के लिए बट खाना पीना और ये सारी चीज़ें कौन सा जो बड़ा लंबा ही स्पेल हो गया कुछ आ ही नहीं रहा वो ईरान में एक था स्पेल ईरान में मैंने जाना था पाकिस्तान इंटर होना था ना तो डेज़र्ट से निकला तो रस्ते में गांव आ रहे थे सब कुछ मिल रहा था तो मैंने मैप के ऊपर नज़र नहीं दौड़ाई कि अगला जो है कोई तकरीबन कोई 200 किलोमीटर का एक पैच आ रहा है जिसमें कुछ भी नहीं है और डेज़र्ट था फुल गर्मी बहुत दबाव मतलब मैं हेलमेट खोलता तो मुझे लगता मेरी स्किन जो है वो जल रही है तो हेलमेट बंद किया जिप मैंने सारे अपनी जैकेट की बंद कर दी ताकि हवा गर्म जो लू होती वो ना आपकी बॉडी को टच हो तो वो इतनी तेज़ हवा थी मैंने अपना कैमरा भी उतार दिया था क्योंकि कैमरे के ऊपर वो ड्रैग पड़ता था मेरा जो हेलमेट था वो सीधा नहीं हुआ हो जा रहा था तो कुछ जगहों पे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं टिल्ट होके चला रहा हूँ बाइक oh, really? तो वो जो 200 किलोमीटर था अगर मैं बाइक खड़ी करता था किसी जगह पे तो वहाँ पे कुछ था ही नहीं तो 200 किलोमीटर आई थिंक मैंने इसी तरह स्ट्रेच किया था दुआ की थी कि, कि कुछ मिल जाए पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है तो वहाँ पर फिर जो है वो एक कैफ़े मिला एक कैफ़े छोटा सा वो जो है था स्पाइस वगैरह आपको मिल जाती है तो उधर पहुँचे तो वहाँ पर वो ब्रेक चल रही थी उनकी अब वो वहाँ पर थे नहीं फिर एक वो ट्रक वाला आया तो उसने पानी वगैरह जो कुछ भी चीज़ चाहिए थी तो वो थी और उसने बताया कि आगे जो है पचास किलोमीटर के बाद आपको मिल जाएगा पेट्रोल पम्प और इस तरह की वो जो वो एक गो में शायद मैंने जो दो ढाई सौ किलोमीटर किया था ना वो वही था उसके अलावा जो सबसे लंबा डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया वो शायद सऊदी अरेबिया में ही था रियाद से लेके मदीना गया था मैं वो कुछ साढ़े आठ सौ किलोमीटर था इस तरह और कितने दिनों में किया था एक दिन में रियाद से मदीना सुबह सुबह निकले होंगे आप मैं रात को निकला था ग्यारह बजे रोज़ा था मेरा पहला रमज़ान था और वो एक मिस्टेक ही थी बेवकूफाना था क्योंकि मुझे लगा था कि क्योंकि इस्लाम आपको पता है कि बहुत लेवरेज देता है ट्रैवलर्स को तो मुझे लगा कि रोज़ा रख ही जाता हूँ यार पहला रमज़ान है आप मक मदीना जा रहे हैं तो होना चाहिए मतलब थोड़ा सा एक वो फील ही अलग होती है लेकिन रास्ते में इतनी गर्मी थी रात को भी आ, रात को भी, मतलब आपको पता है कि सऊदी अरब में भी होती है हाँ। दिन के टाइम धूप सीधी पड़ रही है सर के ऊपर और मुझे नींद आ रही है मैं रोड से नीचे उतर रहा हूँ फिर वो साइडों पे ना नो उन्होंने स्वाल्ट के अंदर कट लगाए होते थे तो वो अक्सर होता था कि टक 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 की आवाज आती तो खुल थी खुल जाती थी।, थी फिर मैं अपने आप को ना वो करता था ब्राहे आते तुम मर जाना <laughs> रोड दुखते रह रोड दुखते रह अच्छा मैं कहते कहते फिर दोबारा सो जाता था फिर रोड से ऊपर नीचे उतर जाता था इतना कुंभ होता था क्योंकि एक तो रोजा था मैं रस्ते में रुकता भी नहीं था और वो एक ऐसा सफर है कि जहां पे सऊदी

लेकिन वो यही होता है कि आप शायद वो उसको लाइट ले लिया मैंने लेकिन वो लेना नहीं चाहिए था मुझे क्योंकि मैं बहुत सोया था उस दिन बाइक के ऊपर कभी ऐसा हुआ कि अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गूगल मैप्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं आई एम श्योर इतने रिमोट एरियाज में जाते हैं तो वहाँ नेट भी नहीं आता होगा तो ऑफलाइन मैप्स चल रहे होते हैं आपके हाँ ऑफलाइन चल रहे होते हैं तो दूसरा आई थिंक ट्रैवल करके कि मेरी वो जो एक होता है ना कि सेंस वो मैप को रीड करने की वो भी एक अच्छी है कि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है फिर कनेक्टिविटी आई थिंक बहुत अच्छी हो गई है मतलब ईरान में मुझे डर था लेकिन वहाँ पर डेजर्ट में भी था तो फोर जी चल रहा होता था कोई इश्यू नहीं था बहुत हाई स्पीड इंटरनेट था क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको पता है यार ये है छः आठ घंटे का सफर है घर पे बेगम को फोन में ला लिया व्हाट्सएप पे हैंड फ्री पे आप लगे मैं बाइक भी जा रही है नहीं ऐसे नहीं होता क्योंकि उसकी एक रीज़न ये है कि जुनेद पर जब आप वीडियोस बना रहे होते हैं ना, तो ना ना जब आप वीडियो नहीं बना रहे तो वो शाम का टाइम ही होता है हाँ तो रात को मेरी बहुत ही कम ट्रैवलिंग रही है मतलब वो इस तरह नहीं है और फिर ये भी होता है कि ट्रैवल करते हुए न

ओमान इज कंसिडर्ड वहाँ पे ना ये बहुत है पैरानॉर्मल हाँ, एक्टिविटीज बहुत है खासतौर पर सलाला में हाँ मुझे लोगों ने बताया था हाँ, कि कुछ एरियाज है वहाँ पे जाए लेकिन आप पूरा दिन ट्रेवल करके इतना थके होते हैं कि शाम को आंखें बंद करो सुबह आपकी आंख खुलती है बस मुझे तो यही होता मैंने वहाँ पे काफी कैंपिंग भी किया है और मिडिल ईस्ट की खास बात यह कि आपने शायद देखा हो कि बीच के साथ साथ उन्होंने छोटे छोटे से कवर्ड एरियाज भी बनाए थे फैमिलीज के लिए जिसको वो साइडों से जो है वो चादर लगा के कवर कर लेते हैं और अंदर फैमिलीज जो है वो बैठ जाती हैं बाहर वो बाहर कर लेते हैं और शाम के टाइम अगर कोई ट्रैवलर आ रहा है तो वो अपनी गाड़ी में से वो निकालते क्योंकि मौसम तो उनका फेवरेबल होता है बीच के साथ अच्छी हवा चल रही होती है कि वो सो जाते हैं तो मैंने वहाँ पर काफ़ी जगहों पर कैंपिंग भी की है आपको डर वर नहीं वहाँ नहीं, पर नहीं कभी कोई फील हुई कोई पैरानॉर्मल चीज़ कभी नहीं हुई कभी भी नहीं हुई अच्छा आपकी जो बैग होता है उसमें सप्लाई में क्या क्या होता है आपका कैमरा गेयर तो है ही है कैमरा गेयर है और उसके अलावा जो मेन चीज़ें होती है अगर मैं किसी कंट्री जा रहा हूँ जहाँ पर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ पे कैंपिंग कर सकता हूँ तो फिर मेरे पास जो है वो पूरा कैंपिंग का गेयर होगा जिसमें टेंट होगा स्लीपिंग बैग होगा एक चूल्हा होगा खाने का दो तीन दिन का सामान होगा मेरे पास ठीक है और उसके अलावा ऑफ कोर्स आपके पास कुछ कपड़े होते पहले तो मैं कपड़े कम ही रखता था लेकिन लोगों के कमेंट्स आ रहे थे आपके पास एक ही टी शर्ट है अब अंदा कि मैं उधर फैशन शो में गया तो <laughs> मैं रोज टी शर्ट चेंज करूंगा और होता यही होता है कि आप टी शर्ट्स इस तरह की लेते हैं कि जो क्विक ट्राई होते हैं वेयर हाँ, तो रात को जो है वो सोने से पहले उसको जो है साबुन एक मैंने छोटा सा रखा था ट्यूब ना वो भी इस तरह की होती कि आप उसको नेचर में भी कर सकते क्योंकि ये आम साबुन अगर आप वो चश्मा हाथ उसके अंदर डालें तो वो जो फ़िश वगैरह या हाँ। कुछ भी है तो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता तो इसी तरह ना यूरोप में आपको मिलते हैं कि जिसको आप नेचर के अंदर वॉश कर सकते हैं तो वो वॉश करके लटका दिया वो दो तीन घंटे बाद जो है ना आराम से सूख जाता है तो पहले तो मैं उस तरह के रखता लेकिन अब जो है वो वो कंटेंट बनाने के चक्कर में छः सात टी शर्ट्स होगी कुछ इस तरह की चीज़ें होगी फिर एक तो आप एक, एक स्लीपर रख ली है एक शूज़ रख लिए सिटी के अंदर वॉक करने के लिए और और क्या होगा मेन आई थिंक यही चीज़ें होती है कुछ वो होते हैं स्पेयर्स बाइक के वो भी कंट्री टू कंट्री वेरी करता है अच्छा कुछ कंट्रीज़ में अगर आपको पता होता है कि बी की अच्छी प्रेजेंस है तो जैसे इंडिया में मैं था तो मैंने बहुत ज़्यादा स्पेयर जो है न, वहाँ पे ना वहाँ पर ना लेके जाऊँगा टूल किट होगी आपके पास ठीक है कि आप बाइक को पंचर लगा सके अगर खोलनी पड़ जाए तो वो खोल लें तो इस तरह की चीज़ें जो आप वो एक आ, टूर प्लान करने से पहले अपने रूट को देख के जो है ना वो डिसाइड करते हैं अब अगर मैं पाकिस्तान के नॉर्थ में जा रहा हूँ तो मुझे फील आएगी मैं तो अपने घर में हूँ तो यहाँ पे मैं हो सकता है कि कम सामान लेके जाऊँ इंडिया में जा रहा हूँ तो सेम यही है क्योंकि वहाँ पे आपको जो है वो सब कुछ मिल जाता है बी एमडब्ल्यू के तो स्पेयर कम रखूंगा अगर मैं कैंपिंग नहीं करनी तो मैं कैंपिंग का सामान भी निकाल दूंगा सही 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 फिर सऊदी के बाद फिर आप गए सऊदी के बाद बाकी जी सी सी कंट्रीज मैंने कवर की दुबई वगैरह बरेन कुवैत कतर कतर का वर्ल्ड कप आप वहाँ से आपसे मुलाकात हुई उसके बाद ओमान गया और ओमान से यमन यमन के बॉर्डर से उन्होंने मुझे वापस भेज दिया था अच्छा नहीं जाने दिया नहीं एक्चुअली मैं हर कंट्री जाने से पहले ना एक, एक आप कहते हैं कि जो वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी है क्या पहले से देख लो कि इसका वीज़ा कुछ कंट्रीज़ कहते हैं कि आप अपने मुल्क में ही अप्लाई करोगे कुछ कहते हैं कि आप ऑन द गो भी अप्लाई कर सकते हो hmm. तो यमन का ये था कि आप बॉर्डर पे जाएं 160 डॉलर फीस आपको इंट्री दे आपको एंट्री दे देते हैं मैं जब वहाँ पे सलाला पहुँचा पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मुझे कहते हैं, आप वहाँ पर जाएं वो दे देंगे बॉर्डर पर कहते हैं एक हफ्ता पहले वीज़ा प्रोसेस चेंज हो गया oh. अब यमन वॉर पे वॉर जोन है वहाँ क्योंकि बहुत इन्फॉमेशन नहीं है टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते नहीं है या हार्डली जाते वो जिनको शौक़ होता है इस तरह का ट्रैवल का तो फिर उन्होंने मुझे एंटर नहीं होने दिया वापस मैं आ गया तो ओमान में वहाँ पे कुछ दिन गुज़ारे और ओमान में ही बैठे हुए एक दिन मोबाइल खोला सुबह सुबह जो है वो नोटिफिकेशन आया योर इंडियन भी वीज़ा है अप्रूव्ड तो यमन तो नहीं जा सका लेकिन वो इंडिया और इंडिया का आप पहले भी अप्लाई

ऑनलाइन अप्लाई किया ना वीज़ा जर्मन पासपोर्ट है तो आपको दो से तीन वर्किंग डेज में मिल जाता है मेरे साथ गोरे थे उनको दो दिनों में आ गया था मेरा नहीं आ रहा था क्योंकि वो पूछते हैं कि आपका ओरिजिन कौन सा है मैंने पाकिस्तान ही डाला मेरा सिस्टम के अंदर स्टक हो गया तो मैं वैसे बॉर्डर पे पहुंचा तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की तो वहाँ पे उसने कोई एक तो ऐसी बातें की जो मुझे लगा ये रेसिस और वो मशहूर भी रेसिस्ट है आई एम नॉट श्योर कि मशहूर है कि नहीं है लेकिन उसने बातें की तो मैं मैं, मैं तो आधी हो गया हूँ सुन लेता हूँ कोई नहीं खैर है लेकिन वहाँ भी एक उन्हीं का कुलीग बैठा हुआ था वो फिर मेरे पास आया कहता है कि अब्रार ब्रदर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी रिगार्डिंग रेसिस रिमार्क्स ऑफ माय कुलीग दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल लेकिन मैं उसकी जगह पर मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आपका वीज़ा जो है ना मैं निकला निकलवा दूँ तो एक तरफ तो आप देखें कि वो इस तरह दूसरी तरफ जब आपको भी बंदा इस तरह आके मिलता है तो चाहे वो जितनी भी बदतमीजी हो ना आप हो, हाँ। फिर मैं एक ऑफिस में गया तो वहाँ पर वो कारनेट का पूरा प्रोसेस था वो बंदा बहुत चिलता बहुत अच्छा कॉफी चाय कहता है कि हमारे पास जो यहाँ पे सिस्टम है ना वो जी सी सी गाड़ियों वाला है ओके हाँ तो आपका जो है ना वो प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लगेगा हम दूसरी जगह से लेके आ रहे हैं वो सिस्टम तो आप आराम से बैठे ये कॉफ़ी चाय पिए ये चॉकलेट्स हैं ये खजूरे हैं गपशप भी लगाने लग गया तो वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा फिर मैं सिटी के अंदर इंटर हो रहा था मैं ड्राइव कर रहा हूँ राइड कर रहा हूँ शाम का टाइम था थका हुआ था सात घंटे मुझे बॉर्डर पर लग गए थे तो अपनी स्पीड से जा रहा हूँ नब्बे सौ की स्पीड से क्योंकि स्टॉप एंड गो ट्रैफिक चल रही थी किसी जगह स्पीड हो जाती थी किसी जगह स्लो तो एक सामने आके कोती ने आके गाड़ी लगा दी अब मुझे पता क्या लगा मुझे कोई पाकिस्तानी होगा उसने देखा कि अबरार आ रहा है मिलने के लिए आ रहा है मैंने उस माने रोक दी उसने आगे मुझे अरबी में पता नहीं क्या सुनाना शुरू कर दी तो मुझे समझ नहीं लगी मैं, तो मुझे कहता है कि कहाँ से आया हूँ ये मुझे समझ लग गया तो मैंने कहा कि मैं जर्मनी से आया हूँ मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो और पता है वो वीडियो इतनी वायरल हुई इराक वालों ने मेरा बहुत अच्छा वेलकम किया जहाँ पे भी गया तो इराकियों ने क्या किया वो क्लिप निकाला कोत वाला और उधर से अच्छे अच्छे क्लिप इराक के निकाले कहते ये देखो इराक की हॉस्पिटलिटी और ये देखो कोत की हॉस्पिटलिटी तो वो तो कोतीयों के लिए अच्छा नहीं था सिमिलर और ये मेरा मकसद भी नहीं था क्योंकि मुझे समझ ही नहीं लगी अदरवाइज मुझे लगता ना कि ये कोत के लिए एक नेगेटिव इमेज जाएगा तो मैंने काट देना था उसको मैंने कहा कि लोग देखेंगे और देखेंगे कि पता नहीं क्या कह रहा है इसको फिर जब वो सऊदी अरेबिया में औरतों वाला हुआ तो सऊदियों ने भी यही किया उन्होंने कहा कि ये देखो सऊदी औरतें इतना अच्छा जो है रिस्पॉन्स करी हैं ब्रार को और इधर जो है कोयती कोयती ये कर रहे हैं तो मुझे खुद वो पर्सनली फील हुआ कि यार ये हो हाँ क्योंकि मेरा कभी ऐसा मकसद नहीं था नहीं। हो सकता है मैंने कोई गलत किया लेकिन मुझे खुद अभी तक नहीं पता कि मैंने क्या किया था पर मुझे ये जरूर पता है कि उस बंदे को पता चल गया होगा उस वीडियो का क्योंकि वो वायरल बहुत हुई थी वीडियो ओवरऑल वो कंट्री थी कि जहाँ पे फिर मैंने एक मीटअप रखा तो पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी लोग मतलब मैंने उससे पहले इतने लोग अपने मीटअप में कभी नहीं देखे really? सब आ, सबसे बड़ा मीटअप में हुआ है पहला बड़ा अच्छा पहला बड़ा पहला बड़ा okay. ओके जिसमें दो ढाई सौ लोग आते हैं और ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि एक बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी मुझे मिलने के लिए आई तो वो एक पहला एक्सपीरियंस था कि जिसको मैंने देखा और मैंने सोचा कि यार अब लोग जो है वो अबराज से मिलना चाहते हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि वो आपकी वीडियोस देखते हैं तो फिर मैं आगे जहाँ पे भी रखता गया तो ऑफकोर्स जद्दा में बहुत बड़ा मीटअप था मेरा बाकी जगहों पे इसी तरह लेकिन कुत की जो देसी कम्युनिटी है ना सर आर फिनल बहुत अच्छे लोग हैं बहुत जगह कैसी है मेरे पास सिर्फ चार दिन थे मैंने कोत सिटी देखा है कुछ और दो चार जगह देखी है आगे रमज़ान आ रहा तो मैंने उसको बहुत एक्सप्लोर नहीं किया छोटा सा एरिया है लेकिन आज भी अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसको यही बताऊंगा कि कोत में जो फॉरनर कम्यूनिटी देसी कम्यूनिटी है दे आर प्रोबली सम ऑफ दी बेस्ट पीपल कि जिस तरह उन्होंने मुझे वहाँ पे अपनाया और मेरी वहाँ पे हुआ क्या कि होटल में मैंने रूम लिया सामने बिरयानी का ना बोर्ड लगा हुआ था मैंने तस्वीर खींच के लगा दी इंस्टाग्राम कि बिरयानी सामने ना तो 11 बजे थे बारह बजे मैंने अपना चेंज चून किया सोने के लिए पहुंचा तो नॉक हुआ रूम पे एक फैमिली आ गई यब्रार भी हम पूरा एरिया छान के आए हैं कि कौन से होटल से नीचे ये तस्वीर ली गई है कौन सी फ्लोर हो सकती है और हमें बहुत माजरत कि हम जो है लेकिन हम पूरी फैमिली आपसे मिलना चाहती थी फिर रात के वो पूरी रात ये सफ़र चलता रहा लेकिन होटल वाले जो थे वो अच्छे थे उन्होंने फिर जो है ना किसी को नहीं आने तो सुबह मैं लेट उठा आ, नमाज के लिए जा रहा हूँ तो नीचे फैमिली सारी बैठी हुई मेरा इंतज़ार कर रही है <laughs> तो वो सिर्फ वो एक उस तस्वीर से उन्होंने देखा तो हाँ। आप जब ये चीज़ें देखते हैं तो आप अप्रीशिएट करते हो कि आप अपना ख्वाब जीरो और लोग जो है आपका इंतज़ार कर रहे हैं हाँ <laughs> क्योंकि बहुत सारे लोग ना ज़ाहिर सबकी ख़्वाहिश होती है ट्रैवल करना बहुत से लोग बहुत सी वजूहत की वजह से नहीं कर पाते बहुत से ऐसे लोग जो अफोर्ड भी कर सकते हैं फिर भी नहीं कर पाते इजाजत का मसला है या वो डेरिंग नहीं होते बहुत सारे लोग डरते हैं वट एवे रीजनस तो वो वाइकेरियसली ट्रैवल करते हैं आपके साथ वो जब आपका चूँकि गोप्रो का एक फ़ायदा भी यही है कि वो वन पॉइंट व्यू है वो पॉइंट ऑफ व्यू कैमरा होता है तो लगता है कि वही ट्रैवल कर रहे हैं और अगर वो ऑकुलस में लगा के देखें तो फिर तो और मज़ा आ जाएगा आपकी वीडियोज़ कहिए आप खुद बाइक पर बैठे हैं बस उसके अलावा आई थिंक वो जितना भी आप जुनेद भाई कह दें कि पॉइंट ऑफ व्यू और ये सारी चीज़ें ये आई थिंक के लोगों का प्यार है हाँ, और भी, भी है। वीडियोस बहुत सारे लोग बना रहे हैं और मेरे से हो सकता है उन लोगों की क्वालिटी भी अच्छी हो मुझसे वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर रहे हो लेकिन आपका अगर किसी बंदे के साथ लगाव हो जाता है या आप उसको अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं तो ये आई थिंक के ये ऊपर वाले की तरफ से और उन लोगों का प्यार है तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा चैनल जो है ये इन लोगों की वजह से है अच्छा इराक के बारे में बताएं इराक का आपका ट्रिप कैसा रहा सर जी इराक एक ऐसा मुल्क है कि जिसको बयान करना बड़ा मुश्किल है वहाँ की लोग जो है ना बहुत मेहमान नवाज़ बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन उनकी बहुत बदकिस्मती है इतने नेचुरल रिसोर्स होने के बावजूद वो इस तरह की कंडीशन में है इराक शुड बी वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री उनके पास दुनिया की हर चीज़ होनी चाहिए लेकिन वहाँ पे जा के मैंने महसूस किया कि हर जगह पे चेक पोस्ट बहुत थी मुझे डर लगता था वहाँ पे कि यार हर मेरा दिन के आधा ट्रैवल ना चेक पोस्ट पर गुजर जाता था तो आज भी अगर मुझे को कहे ना कि इराक जाओ तो मैं कहूँगा यार नहीं वो इस वजह से नहीं कि मेरी कोई कोई बैड एक्सपीरियंस रहा वो इस वजह से कि चेक पोस्ट बहुत ज़्यादा है और अभी इराक़ जो है वो ट्रांज़िशन फेज फेज़ पे है जब वो उस चीज़ से बाहर निकलेगा तो आई थिंक शायद ये एक वाद कंट्री है जहाँ पे मुझे जाने से ना थोड़ी सी उलझन ज़रूर है लेकिन ऑफ कोर्स जिस तरह के वहाँ के लोग हैं आप उनकी मेहमान नवाजी को कह सकते हैं कि टॉप क्लास रोड के किनारे खड़े हो जो है वो पानी खाने की चीज़ें बाजार में ऐसे जो है ना बड़े आ, आ, वो खुश तो हैं, लेकिन उसके अलावा ओपन है कि आपको देखेंगे ना तो आपके पास आगे बातचीत करेंगे तो ये चीज़ एक वहाँ की बहुत मेरे भी तजुर्बा अच्छा रहा था इराक का बट वही वाली बात अनफॉर्चुनेटली तौर पर बगदाद में हर दस मिनट बाद गाड़ी से उतरे हैं गाड़ी की अलग चेकिंग हो रही है आपकी अलग चेकिंग और बिल्कुल, बिल्कुल इमिग्रेशन तो, स्टाइल में बिल्कुल जैसे टी एस ए करती है अमरीका में ऊपर से नीचे पैट डाउन करना फिर आप गाड़ी में बैठ रहे हैं फिर जा रहे हैं तो ये बड़ा वाक़ आपका और बहुत पोटेंशल है उस मुल्क में बट यही कि अनफॉर्चुनेटली वो जंगों से गुजर रहा है और एक बड़े इराक और सीरिया दोनों मेरे ख्याल से बिल्कुल बहुत आ, सीरिया में तो अभी चल रही है लेकिन इराक उस चीज से निकल आया तो आई होप कि अगले कुछ आने वाले सालों में जो है वो इराक में ये चीज़ें ख़त्म हो गई क्योंकि इराक और सीरिया जो है वो काफ़ी अरसा जो है वो सल्तनतों की जो ना हैड वो कैपिटल सिटीज़ रहे जैसे बगदाद था ये तो है तो दमस्कस में तो अभी भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी लेकिन इराक़ में काफ़ी चीज़ें तबाह हो चुकी हैं तो आई होप वो उस चीज़ को रिवाइव करेंगे और फिर से लोग जो है वो जाके वहाँ की जो हिस्ट्री है कल्चर है और इराक बाबिलोनिया मतलब तो तो इससे पुरानी जो है वो तहजीबें आपको कहाँ मिलेंगी बिल्कुल ऐसा ही हाँ। नहर फ़िरत है, फिरात है वहां पे। हाँ, दजला और फ़रात इसकी हम हाँ। हाँ। बातें सुनते हैं अभी भी आप जाएं तो वहाँ पे जो है ना ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं लेकिन बस ये है कि ट्रैवल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है वहाँ पे। ये लगा कि यार फेक तो नहीं है <laughs> तो मैंने मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके अपना पासपोर्ट नंबर और वीज़ा एप्लीकेशन नंबर वो सारी चीज़ें डाल के देखी तो नीचे लिखा हुआ था जी ग्रांड पूरी पट्टी जो कोस्ट के साथ साथ है ना <laughs> या तो उनके बिजनेस होंगे मिडल ईस्ट में और रास्ते में कोई प्रॉब्लम कोई एनीथिंग रस्ते तो में हाँ जो उस दिन क्योंकि हीट थी तो हीट की वजह से बाइक में भी इशू आ रहे थे मेरी बाइक भी ख़राब थी तो बाइक को जो है वो बड़ी मुश्किल से हम जो है ना वो मुंबई लेके आए